नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग शाह। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि होने वाला रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का, या हम तो कह सकते हैं रसायन विज्ञान का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है अन्य जितने भी वीडियोज मैंने डाले हैं उन्हें डाउनलोड कर चुके होंगे, उनको देख चुके होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी और दमदार चल रही होगी। और मुझे उम्मीद है कि मैं बड़े वीडियोज बनाता हूँ तो आप लोग बोर भी नहीं होते होंगे। मैं आनंद के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इस तरह से देता हूँ मटेरियल के आपको भी आनंद आए। कविता सुनी है आपने, कबीर साहब का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और आपो शीतल हो। तो इस तरह की भाषा वाणी में नहीं बोलता हूँ मैं, ऐसी कोशिश करता हूँ कि आनंद ही आनंद। कबीर दास जी का थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन बना दिया मैंने, आपको आनंद आएगा मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि आपको मैं 12 घंटे भी मैं बोर होने नहीं देता हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हमारा ये नया वीडियो जो कि है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का या रसायन विज्ञान का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग आनंद से तैयारी कर रहे होंगे। तो थोड़ी सी जानकारी दे दो कि ये वीडियो जो है लगभग 30 घंटे का मैंने बना दिया है, और ये जो है इस 30 घंटे का निचोड़ जो है मैं आपको 3 से 4 घंटे के बीच में मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा जो है प्रयास है, क्योंकि 30 घंटे कुछ लोग नहीं देखने की स्थिति में होते हैं। इसलिए मैं 4 से 5 घंटे में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और साइंस लगभग मैंने 10 घंटे में आप लोगों को देने की कोशिश मैं आपको करूँगा। 10 घंटे में आपका एक काफ़ी अच्छा खासा मटेरियल आपको प्राप्त हो जाए, ताकि आपके जो है उसी के इर्द गिर्द जो है आपके प्रश्न जो है बन जाएँ और आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अगर साइंस के वीडियोज आपको देख रहे हैं तो लगभग 80 से 90 घंटे के आपको साइंस के वीडियोज देखने को मिलेंगे, जो कि आपको प्ले लिस्ट में भी मिल सकते हैं और कुछ पेड भी है वहाँ ले लीजिए। अभी छोटा चैनल है, हम कोई माफिया नहीं है शिक्षा के, जो माफिया वगैरह होते हैं वो जो है अपने आप को यूट्यूब पे छा लिया है उन्होंने। छा माफिया वो लोग होते हैं जो अपना कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं और फिर जो है वो बिजनेस की तरह काम करते हैं। वो जो है हम इंडिविजुअल, हम व्यक्तिगत रूप से आपको पढ़ाते हैं, हमारी कोई कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई दुकान है नहीं, संस्था नहीं है, हमें किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना है मतलब इस तरह से, और हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना है। लेकिन जो कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी हैं, चाहे फिर मैं नाम ले दूं, चाहे फिर वो अनअकैडमी है, चाहे फिर जो उत्कर्ष हैं, चाहे इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, ये शिक्षक नहीं उसमें पढ़ाते हैं, इसमें जो है व्यापारी लोग पढ़ाते हैं। तो उनको व्यापार करना होता है और अन्य जितने भी उनके कॉम्पिटिटर उनको जो है दबोच के रखना होता है। तो ये मैं बुराई करने वाली बात नहीं, ये सच्चाई है। तो जितने कम लोग उससे जुड़े हुए हैं और मटेरियल मैं बहुत अच्छा देता हूँ, इस बात की मैं गारंटी भी लेता हूँ, और मेरे दोस्त हैं जो साथी हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं उनसे बातचीत मेरी होती रहती है, तो मुझे लगता है कि अन्य की तुलना में मैं बहुत अच्छा देता हूँ, नाम मात्र की फीस में मैं आप लोगों को दे देता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा किसी को कष्ट हुआ हो मेरी बातों से तो उसके लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ, और उससे होता कुछ नहीं है, किसी ने क्षमा मांग ली और वो कष्ट जो है दूर नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि उन कष्टों का कुछ निवारण किया जाए अगर किसी को मेरी बात प्रिय होगी। वो चक्कर यह है कि मेरा इससे पहले जब चैनल हुआ करता था, जो आज जो है मिलियन पहुंच गए हैं, तो मेरे भी वही पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारण से हैक हो गया। अब हम कभी कारणों को नहीं समझ पाए, क्योंकि जो है अथा सागर है यूट्यूब, हम इसको कभी समझ नहीं पाए इस जितना समझना चाहिए था। तो फिर काफ़ी समय मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालने बंद कर दिए थे, फिर मैंने नए सिरे से चैनल बनाया और आप लोगों के सामने फिर से नए सिरे से आ गया। लोग पूछते हैं कि आपके जो है सब्सक्राइबर कम हैं, व्यू आपके कम हैं, तो वही है लोग कम अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन गारंटी है मेरी और आप लोगों का साथ रहा तो मैं उन लोगों तक भी पहुंचूंगा। जैसे टारगेट पर आलोक ले लीजिए, टारगेट पर आलोक ने मेरे साथ ही शुरू किया था, इलाहाबाद का वो लड़का था, और वहीं मेरे सामने की बात है बेचारा जो है 20-30 रुपये मांगा करता था यूट्यूब पर, रोया करता था, गोद में एक बच्चा लाया करता था, मैं बहुत परेशान हुई है वो है, आज उसने कंपनी बना लिया। आप समझ पा रहे ना, वो मेरे साथ, मेरा हैक ना हुआ होता तो इसलिए आप जिन लोगों को बुरा लगता है इस बात का बुरा लगता है कि मेरे व्यू और सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि मेरा भी कुछ हो जाए। जो मेरे पुराने से जुड़े हुए थे वो जानते हैं कि मैं किस तरह से मटेरियल आप लोगों को देता था। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा बातों के शुरुआत कर लेते हैं आज हम अपने इस रसायन विज्ञान वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ कि आपके इस वीडियो में हमें क्या क्या पढ़ना है। 30 घंटे का मटेरियल बता देता हूँ, 30 घंटे का निचोड़ जो है मैंने इस वीडियो में रख दिया है, यानी कि 3 से 4 घंटे में मैंने आपको इस पूरा मटेरियल आपको रखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान का एक छोटा सा परिचय लेंगे, रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखेंगे, रसायन विज्ञान का महत्व देखेंगे, द्रव्य उनकी अवस्थाएं देखेंगे, द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे, द्रव्य की अवस्थाएं देखेंगे, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन देखेंगे, कुछ विशिष्ट भौतिक यौगिक देखेंगे, परमाणु संरचना देखेंगे, परमाणु के मौलिक कण देखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इसके बाद परमाणु मॉडल देखेंगे, पदार्थों की गति प्रकृति देवरागली गति देखेंगे या सिद्धांत देखेंगे,
परमाणु कक्षक देखेंगे, क्वांटम संख्याएं देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे, विद्युत परमाणु स्पेसीज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिविता के बारे में बात करेंगे, रेडियो एक्टिव किरणें देखेंगे, रेडियो एक्टिव विघटन का सिद्धांत देखेंगे, समूह विस्थापन नियम अर्ध आयु काल देखेंगे, रेडियो समस्थानकों के उपयोग देखेंगे, रासायनिक बंधता देखेंगे, रासायनिक बंध के प्रकार देखेंगे, वंडरवाल का आकर्षण बल देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे, रासायनिक समकीय समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या, विद्युत रसायन, विद्युत अपघटनी सेल, फेराडे की विद्युत अपघटन के नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रसायन सेल, ईंधन सेल, संचार, अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार, पीएच पैमाना, लवण, समायन प्रभाव, बफर विलयन, सूचक, इसके बारे में बात यहाँ पर करने वाले। इसके बाद हम इसी में बात करेंगे विलयन के बारे में, वास्तविक विलयन के प्रकार देखेंगे, विलयन की सांद्रता देखेंगे, विलयन विलयता क्या होता है, अणु संघ गुणधर्म क्या होता है, उसके बाद विसरण देखेंगे, हिमांक में अवनमन देखेंगे, पृष्ठ या सतह रेखाएं देखेंगे, अधिशोषण और अवशोषण के बारे में बात करेंगे, कोलाइड अवस्था देखेंगे, उत्प्रेरक देखेंगे, उत्प्रेरकों के उपयोग देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे तत्वों का अवसारणी थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मेंडेली की अवसारणी देखेंगे, आधुनिक अवसारणी देखेंगे, आवर्ती गुणधर्म देखेंगे, आवर्तों की विशेषता देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे, धातु के लक्षण देखेंगे, धातु कर्म, खनिज, अयस्क और धातु कर्म के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, धातु एवं उनकी यौगिक देखेंगे, धातुएं, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, धातु क्षार एवं उनके यौगिक, क्षारीय मृदा धातुएं उनके यौगिक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण धातुएं उनके उपयोग, मिश्र धातु, हाइड्रोजन उनके उपयोग और उनके यौगिक, हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन के विभिन्न रूप देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक देखेंगे, हाइड्रोजन की यौगिक देखेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में यहाँ पर बात करने वाले। इसके बाद हम आगे इसी में बात करेंगे अधातुएं उनके यौगिक, अधातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण, कार्बन, कार्बन के अपर रूप, कार्बन की यौगिक, सिलिकॉन एवं उनके यौगिक, नाइट्रोजन एवं उसके यौगिक, फास्फोरस के उपयोग एवं उसके यौगिक, ऑक्सीजन उसके अवरूप, सल्फर एवं उसके यौगिक, हेलोजन, अक्रिय गैस, कार्बन डाई और कार्बनिक रसायन के बारे में बात करेंगे, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के उपयोग, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जैव अणु एवं जैव सक्रिय यौगिक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जैव सक्रिय यौगिक के बारे में बात करेंगे, खाद्य रसायन के बारे में बात करेंगे, विटामिन, खनिज, बोध संयोज एवं खाद्य प्रतिरक्षक, प्रतिऑक्सीकारक, खाद्य रंजक, पेय पदार्थ एवं तंबाकू, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे मानव जीवन में रसायन, साबुन और अपमार्जक, विस्फोटक, औषधियाँ, कांच, कृषि रसायन, उर्वरक एवं उनकी वर्गीकरण, प्रसाधन, उसके बाद आपका जो है सिरेमिक एवं मृत्तिका शिल्प के बारे में बात करेंगे, रंजक के बारे में बात करेंगे, गोलक के बारे में, प्लास्टिक, रबड़, संश्लेषित जैसे ईंधन, पेट्रोलियम, ज्वाला, पर्यावरणीय रसायन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपका आ जाता है प्रदूषक, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, आपका रेडियोधर्मी प्रदूषण, हरित रसायन एवं प्रदूषण पर नियंत्रण, प्रमुख औद्योगिक विधियों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका ये विज्ञान से शुरू करेंगे, और मैं आपको विज्ञान से शुरू करने से पहले मैं हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूंगी आपका रसायन क्या होता है, यानी कि जो केमिस्ट्री होती है वो क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। तो रसायन विज्ञान क्या होता है, रसायन की अगर बात की जाए तो ये रसायन क्या होता है, तो भैया रसायन जो होता है, मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा या फिर मैंने आपको पढ़ा दी है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फिजिक्स का मतलब होता है जो भौतिक विज्ञान का होता है, भौतिक विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं पदार्थ और ऊर्जा के बीच में संबंध, हम उसमें किस में करते हैं, भौतिक में करते हैं, समझ में आ रहा है, भौतिक विज्ञान में करते हैं, वहीं आपका रसायन विज्ञान में क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में पदार्थों की रासायनिक संरचना, या कहें हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान में हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, मैटर का अध्ययन करते हैं, सब्सटेंस का अध्ययन करते हैं, तत्व का अध्ययन करते हैं, कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, समझ पा रहे ना। तो हम किसका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों का हम अध्ययन करते हैं। तो पदार्थों का अध्ययन क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, तो पदार्थों की हम क्या करते हैं, रासायनिक संरचना के बारे में बात करते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर के बारे में बात करते हैं, केमिकल मैटर। उसके बाद जो है आपका रासायनिक जो संगठन है, या फिर रासायनिक पदार्थ का रासायनिक संगठन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आपका जो कंपोजिशन ऑफ केमिकल मैटर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर, इस तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका उसकी संरचना हो जाएगी किसी तत्व की, या फिर मैटर की, या किसी पदार्थ की, या किसी द्रव्य की, आपका संगठन हो जाएगा, गुणधर्म हो जाएगी, गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है,
परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं से क्या निष्कर्ष निकलेगा, उसका क्या उपयोग है, उसका अप्लाइड हम देखेंगे यानी कि एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका क्या उपयोग होता है। तो मान लीजिए कि कोई तत्व है, मान लीजिए दो तत्व है, एक है हाइड्रोजन दूसरा है नाइट्रोजन। अब एक है हाइड्रोजन दूसरा मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो दोनों दो तत्व हैं, दोनों तत्वों में हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन की हम क्या देखेंगे, रासायनिक संरचना देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे हम उसकी जो है संगठन देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे उसमें हम उसका गुणधर्म देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। अब इन सबको देख लिया उसके बाद हमें देखेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या करना है हमें, हाइड्रोजन की हमने प्रॉपर्टी चेक कर ली, क्या इसके गुण है, इसकी हमने संरचना देख ली, क्या इसकी संरचना है, इसके हमने संगठन देख लिया, क्या इसका संगठन है। अब क्या हो रहा है, अब हमें इसमें अध्ययन क्या करना है, अब जो हाइड्रोजन है और ये जो है ऑक्सीजन है, दोनों में आपस में अगर परस्पर आपस में जो है प्रेम कराते हैं, मिलन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, संबंध बनवाते हैं, आपस में जो है मिलन करा देते हैं, तो क्या इससे निष्कर्ष निकलता है, कौन सा नया तत्व बनेगा। तो हाइड्रोजन और इसको दोनों को मिला देते हैं, तो दो अणु जो है हाइड्रोजन के और एक अणु जो है ऑक्सीजन का मिलाते हैं, तो आपका क्या बन जाता है, आपका बन जाता है क्या, जल बन जाता है, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है, समझ पा रहे ना। तो ये हमें क्या किसमें पढ़ने को मिलेगा, ये हमें पढ़ने को मिलता है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, समझ पा रहे ना। तो रसायन शास्त्र में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के अध्ययन में क्या करते हैं, पदार्थ की भौतिक, पदार्थ के जो है उसकी संरचना, पदार्थ के गुणधर्म, पदार्थ का संगठन, पदार्थ जो होते हैं, दो मान लीजिए कोई तत्व है या फिर पदार्थ है या फिर कोई यौगिक है, आपस में दो पदार्थ है, दो तत्व या फिर दो जो है कंपाउंड है या फिर दो जो है मैटर है, आपस में अगर मिलते हैं तो उनमें अभिक्रिया किस तरह से होती है, अभिक्रिया होने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी होती हैं, हमें रसायन विज्ञान में पढ़नी होती हैं। तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें, तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें, तो रसायन शब्द का उत्पत्ति की बात करें, तो रसायन शब्द हिंदी शब्द है, तो रसायन का उत्पत्ति की अगर बात की जाए, तो संस्कृत के रस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई मानी जाती है। वहीं अगर अंग्रेजी भाषा का शब्द केमिस्ट्रिया की बात करें, तो केमिस्ट्री शब्द जो है कीमिया शब्द से लिया गया है, और कीमिया शब्द की अगर बात करें, तो कीमिया शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा की शब्द की करें तो भैया की ग्रीक शब्द मतलब यूनानी भाषा का शब्द है, और यूनानी भाषा जो कीमिया था उसका अर्थ होता था काला रंग, काला रंग, समझ पा रहे ना ये चीजें। तो ये सारी चीजें जिसको मैं आगे आपका एकदम खोल के विस्तार से पढ़ाऊंगा, और आपको मैंने जो पूरा जो है विस्तार से मैंने आपको सिलेबस बताया कि आप ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पर 10 टॉपिक जो है प्रमुख रूप से कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक हो जाता है आपका मैटर, जिसको हम द्रव या पदार्थ के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाता है सॉल्यूशन, लिखना चाहे लिख लीजिए सॉल्यूशन या फिर बिलियन। तीसरा जो आ जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसको हम लबड़ क्षार और अम्ल के नाम से जानते हैं। तीसरा जो आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रेडियो एक्टिविटी, नेक्स्ट आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग है रासायनिक बंध, नेक्स्ट आ जाता है पीरियोडिक टेबल या फिर जिसको हम कह सकते हैं आवर्त सारणी के नाम से जिसको जानते हैं, मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, जिसमें आपका आ जाता है धातु उपधातु और अधातु, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि रासायनिक यौगिक देखेंगे, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक, उसके बाद आ जाता है आपका इंजन। तो इस तरह से मोटा मोटी देखा जाए तो 10 जो टॉपिक है वो यहाँ पर हम मुश्किल से मुश्किल हम 2 से 3 घंटे में कवर कर लेंगे, और वो जो है 10 टॉपिक जो होंगे वो आपका पूरा बेड़ा पार करने वाले, एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद 30 घंटे वाला वीडियो जो है आप देख लेना, मुझे लगता है कि जीवन में आप केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ कभी भी किसी भी तरह का प्रश्न जो है आपका नहीं होगा। और आपको बता दूं ये GS नहीं है, ये GK मैंने दिया है, कम समय में ज्यादा माल देने की कोशिश की, और आपको 49 रुपये में नाम मात्र में एक PDF मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐसे समझिए कि हमको जो है कुछ हमारा जो है सपोर्ट कर दिया, इससे ज्यादा हम सपोर्ट नहीं चाहते हैं कि जीके के मामले में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं विज्ञान, और विज्ञान की बात करें तो इससे पहले हम रसायन विज्ञान की थोड़ी शाखाएं बताते हैं। वैसे शाखाओं की बात करें तो बहुत सारी शाखाएं फैली हुई है, प्रमुख रूप से 5 प्रकार की इसकी शाखाएं हैं किसकी रसायन की। तो पहली आ जाती है आपकी कार्बनिक, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी आ जाती है आपकी अकार्बनिक रसायन, जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तीसरी जो आ जाती है विश्रेषणात्मक रसायन, जिसको हम कहते हैं एनालाइटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद चौथी आ जाती है भौतिक रसायन, जिसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आखिरी आ जाती है जैव रसायन, जिसको हम कहते हैं भैया बायो केमिस्ट्री। तो ये 5 जो है इसकी प्रमुख रूप से शाखाएं हैं जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो नहीं यहाँ पर हमने बता दिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका ये टॉपिक, और देखते हैं विज्ञान से शुरू करते हैं।
चलिए तो साथियों, शुरुआत करते हैं आपकी विज्ञान से ही, जिसमें हम सबसे पहले तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि विज्ञान क्या होता है, क्योंकि जो विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम क्या रखा मैंने मैंने भैया नहीं रखा, मेरा नाम कोई नहीं रखेगा, मैंने ये वाला नाम रखा, ये शाखा है जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग थोड़ा समझते हैं विज्ञान की परिभाषा। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही हम क्या क्या देते हैं, विज्ञान कह देते हैं। तो भैया यहाँ पर पदार्थ या फिर द्रव्य की थोड़ी सी बात करते हैं। द्रव्य के आधार पर जो है दो तरह के जो है द्रव्य आ जाते हैं, ठीक है, आपका आ जाता सजीव में, आ जाता है आपका जीव विज्ञान, और निर्जीव में आपका दो भागों में बांट दी जाती है, निर्जीव का जिसमें अध्ययन करते हैं व्यवहारिक विज्ञान, ठीक है, तो जिसमें आपका आ जाता है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पिता जो है या पापा जिसको न्यूटन को कहा जाता है, और रसायन विज्ञान के पापा जो है लेवोजियर को कहा जाता है। सजीव का अध्ययन किसमें करते हैं, आपका जीव विज्ञान में, जिसमें जंतु विज्ञान आ जाती है और वनस्पति विज्ञान आती है। जंतु विज्ञान के पापा यानी कि अरस्तु को कहा जाता है पिता, और वनस्पति विज्ञान के पापा जो है थियोफ्रेट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका छोटा सा परिचय विज्ञान का। तो विज्ञान की शाखा जिसमें हम निर्जीवों का, निर्जीव जो पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जिसको दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें आपका रसायन विज्ञान हो जाता है। तो रसायन में हम अध्ययन जो करते हैं वो करते हैं पदार्थों का अध्ययन। आइए समझते हैं विज्ञान की शाखाएं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए तो रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र, चलिए तो देखते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों के बारे में, उसके संगठन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में व क्रिया व प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसको हम रसायन विज्ञान कह देते हैं। भैया मैंने बताया था कि पदार्थों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। तो पदार्थों का अध्ययन करते हैं किसका है, तो पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं भैया, उसमें संगठन का करते हैं यानी कि स्ट्रक्चर, वो कंपोजिशन क्या है, पदार्थों की संरचना का करते हैं यानी कि स्ट्रक्चर क्या है उसका, क्रिया और प्रतिक्रिया यानी कि एक्शन और रिएक्शन के बारे में, यानी कि मान लीजिए एक पदार्थ ये है मान लीजिए सोडियम यहाँ का Na है, दूसरा ये है Cl, Cl मतलब क्लोरीन, तो सोडियम एक पदार्थ है और ये एक जो है क्लोरीन पदार्थ है, जिसको या हम कह सकते हैं तत्व है या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट है। तो हमने इसको जब आपस में मिलाया तो मिलाने पर क्रिया और प्रतिक्रिया क्या निकल गया, तो जब दोनों का हम मिलन कराते हैं या फिर जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनकर आता है, सोडियम क्लोराइड बनकर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, नमक के नाम से भी जानते हैं या फिर निमक भी कह देते हैं भैया, हमने एक तो बार जगह लिखा सुना था कि निमक, चलिए तो नमक भी इसको कहते हैं, सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, तो क्या बोलते हैं NaCl नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो रसायन शब्द की अगर बात की जाए तो रसायन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रस से लिया गया है। अंग्रेजी शब्द की अगर बात की जाए, अंग्रेजी शब्द केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो कीमिया शब्द से ली गई है, जो कि आपका मैंने क्या बताया था, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक या फिर यूनानी शब्द है। शुरुआत में आपकी रसायन विज्ञान को केमिट किंग भी कहा जाता था, शुरुआत में आपके रसायन विज्ञान को केमिट किंग भी कहा जाता है। रसायन विज्ञान के पापा या आधुनिक रसायन के पिता किसको कहा जाता है, लेवोजियर, या कहें लेवोजियर को कहा जाता है, एंटोनी लेवोजियर इनको कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो द्रव की अगर बात की जाए तो द्रव जो है, द्रव दो प्रकार के होता है, शुद्ध पदार्थ और आपका मिश्रण। शुद्ध की अगर बात की जाए तत्व और यौगिक कहा जाते हैं, मिश्रण की अगर बात की जाए समांगी मिश्रण और विषमांगी मित्र, जिसको हम आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलिए तो डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री देख लेते हैं, तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द सब्सटेंट स्पेशली देयर द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, जिसको हम गुणधर्म के नाम से जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड द एनर्जी चेंजेस दीज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, और द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट द डील्स विथ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ विच मैटर इज द कंपोज्ड, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर द प्रॉपर्टीज एंड द वेज इन विच दे द इंट्रैक्ट कम्बाइन द चेंज एंड द यूज ऑफ दीज प्रोसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। क्लियर हुआ ना। चलिए तो बिना किसी, यही है सो यहाँ जो लिखा हुआ है हिंदी में वही जो है इंग्लिश में हमने चिपका दिया। चलिए फिर बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो पिता फादर ऑफ दी मॉडर्न केमिस्ट्री क्या नाम था इनका, एंटोनी लेवोजियर, ठीक, या लेवोसिए भी मिल जाएगा कहीं कहीं, वो अपनी समझ का आया था। इन द नेचर नथिंग इज क्रिएट, इन नेचर नथिंग इज क्रिएटेड, नथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग चेंज,
इनका अंकल का नाम, अंकल कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रकृति में किसी भी तत्व को ना ही तो बनाया जाता है और ना ही क्या किया जाता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, बस वो क्या होता है, बस वो बदल जाता है। ठीक है, तो फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवजियर जो है 8 मई 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है। रिकोनाइज एंड द नेम्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट पर्सन टू एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश दैट दैट वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, डिस्कवर्ड द मैटर मे बी चेंज इन इट्स फॉर्म और से वट इज मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यानी कि हमारे जो अंकल थे, क्या नाम था, लेवोजियर अंकल थे, ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि चेंज इट्स फॉर्म और शेप। इन्होंने कहा कि मैटर जो होता है, मैटर उसका शेप बदला जा सकता है या बदल जाता है, बट मास ऑलवेज रिमेन द सेम। मास जो होता है, द्रव्यमान जो होता है, हमेशा क्या होता है, सेम होता है। द्रव्यमान होता क्या है कि किसी भी तत्व में कितने परमाणु हैं उन सभी की संख्या क्या होगी, द्रव्यमान कहलाती है। मान लीजिए कोई परमाणु है, सीधे शब्दों में समझिए, ये परमाणु है, परमाणुओं से मिलकर मान लीजिए क्या बना है, मान लीजिए ये पेन है, इसमें 500 परमाणु हैं। अब परमाणु हैं उठा, जब परमाणु, अब इसका वजन की बात नहीं कर रहा हूँ, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, यानी कि परमाणु उसमें 50 हैं। तो अब हम इसमें अमेरिका में ले जाएँ या फिर पृथ्वी के दूसरे छोर पर ले जाएँ, पाताल में ले जाएँ, आकाश में ले जाएँ, हम ब्रह्मांड के किसी छोर में ले जाएँ, चंद्रमा पर ले जाएँ, इसका जो द्रव्यमान की जो संख्या होगी, जो परमाणुओं की संख्या होगी, वो कितनी होगी भैया, वो कितनी होगी, वो भैया कितनी है, वो हमेशा 100 ही रहेगी। द्रव्यमान की संख्या इसकी इतनी रहेगी, मान लीजिए ये 100 रहेगी, परमाणु इसमें कितने हैं, मान लीजिए 100 हैं, इसका द्रव्यमान मान लीजिए 500 है, इसको मिला मिलू को, तो इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, 100 500 का 500 ही रहेगा, वो कभी भी नहीं। अब बात आती है कि वजन की, मान लीजिए कहीं हल्का हो सकता है, कहीं भारी हो सकता है, मान लीजिए चंद्रमा पे ले गए, इसका वजन ज़्यादा हो गया, मान लीजिए हम आपका जो है बृहस्पति पे ले गए तो इसका वजन ज़्यादा होगा, मान लीजिए हम किसी और छोर पे ले गए पृथ्वी के तो वहाँ पर थोड़ा सा वजन हो गया, वजन यानी कि वेट जो है इसका बढ़ घट सकता है, लेकिन जो है द्रव्यमान जो होता है वह हमेशा क्या होता है, हमेशा समान, यानी कि रिमेन या कहें वो सॉरी हमेशा क्या होता है, हमेशा एक समान, यानी कि कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलता। चलिए, किसके द्वारा बताया गया था, हमारे अंकल लेवोजियर के द्वारा बताया गया था। हिज वाइफ द मरीन एंड मैरी एनी हेल्प हिज द रिसर्च टू द ट्रांसलेटिंग इंग्लिश डॉक्यूमेंट टू फ्रेंच एंड ड्रू द इल्यूस्ट्रेशन फॉर द साइंटिफिक पेपर। ठीक, चलिए, डिस्कवर्ड द रोल ऑक्सीजन प्लेज द कंपोजिशन और रोड द फर्स्ट केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, अंकल लेवोजियर की ये जिज्जी नहीं है, मतलब मम्मी भी नहीं है, वो बीबी है, फ्रेंच केमिस्ट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, धीमे से मैं सरका रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेवोजियर के बारे में दिया गया है, इन्होंने जो एक दिया था लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कहा था कि द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन द कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ केमिकल रिएक्शन अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम, इनका ये कहना है कि ना तो किसी भी तत्व को बनाया जा सकता है और ना ही किसी को ख़त्म किया जा सकता है, बस क्या है कि उसको एक फॉर्म से यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि ये कहते हैं कि आपका हाइड्रोजन के दो अणु, वो हाइड्रोजन का एक अणु और वो सॉरी हाँ हाइड्रोजन का दो अणु और आपका ऑक्सीजन का एक अणु, हाइड्रोजन का दो अणु ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर क्या बन जाता है, आपकर जल बन जाता है, यानी कि ठीक है। चलिए, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ और उसकी अवस्थाएं देख लेते हैं, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। तो पदार्थ की बात करें तो भैया सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पदार्थ, पदार्थ या कह सकते हैं द्रव कह सकते हैं, मैटर कह सकते हैं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, मैटर और एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, तो पदार्थ और उसकी अवस्थाएं या द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो द्रव्य या कहें पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन, हाँ ये वाली हटानी पड़ेगी, तीन अवस्थाएं होती हैं, तो ठोस, द्रव और गैस, और भी वैसे केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी, जैसे प्लाज्मा हो जाता है,
प्लाज्मा अवस्था हो जाता है और भी कई सारी हो जाती हैं कि जितना जितना, लेकिन प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, द्रव द्रव की, ठोस द्रव, द्रव और गैस। तो द्रव की अगर परिभाषा देखी जाए या पदार्थ की अगर बात की जाए, तो पदार्थ क्या होता है भैया? तो पदार्थ के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ जो उसकी विशेषताएं होती हैं। अगर वो विशेषताएं उसमें होती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? पदार्थ कह देते हैं, या कह देते हैं हम उसको क्या कह देते हैं? मैटर, या हम कह सकते हैं द्रव्य उसको कह देते हैं। भैया क्या होता है? तो भैया जो द्रव्य होता है या जो पदार्थ होता है, इसके सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उस पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी चले जाएं, चाहे कहीं पर भी दुनिया में या फिर इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी, जहाँ पर आप जाना चाहें, चंद्रमा पे जाना चाहें, आप मंगल पे जाना चाहें, आप जो है बृहस्पति पे, कहीं पर भी जा जाना चाहें, इस ब्रह्मांड में उपस्थित सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो या जिसको हम मास कहते हैं, साथ ही जो स्थान घेरता हो, ठीक है, उसको हम द्रव्य कह देते हैं। अगर दो शब्दों में समझें तो कहेंगे द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना क्या कहलाती है? भैया द्रव्य कहलाती है। और किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, फिर से बता दूं, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उस वस्तु का क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तथा वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप, उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। अब भैया आप एक चीज बताएं, मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो। स्थान मतलब मान लीजिए मेरा मुंह है, मान लीजिए नाक है, नाक में थोड़ी सी जगह है, मैं अगर इसमें नाक में घुसूं तो जाहिर सी बात है ये पूरा पैर ले जाने के लिए इसको क्या चाहिए? स्थान चाहिए, जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो ये क्या कर रही है? इस नाक में घुसे डर रहा हूँ तो क्या कर रही है? ये स्पेस घेर रही है या फिर जगह घेर रही है, ठीक है। ये हम इसको देखें तो इसमें कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की वजह से इसमें भार है। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। द्रव्यमान क्या बताया? कि इसमें जितने परमाणु हैं इस किसी वस्तु में, या कह मान लीजिए ये वस्तु है, तो द्रव्य की मात्रा जितना भी इसमें द्रव्य है उसकी मात्रा क्या कहलाएगा? द्रव्यमान कहलाएगा। और भैया द्रव्यमान क्या होता है? मान लीजिए इसमें जितने वो हैं, क्या हैं? परमाणु हैं। परमाणुओं की संख्या थोड़ी ना कम कर दी जा सकती है। मान लीजिए इसमें इसमें परमाणु हैं। अब इसका वजन की बात अलग है, द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या है, अगर इसमें द्रव्यमान, दुनिया में कोई भी तत्व है या फिर कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान हो और वो जगह घेरती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्लियर हुआ? द्रव्य की अगर विशेषताओं की अगर बात की जाए, द्रव्य की विशेषताओं की बात की जाए, तो द्रव्य जो होता है, द्रव्य का निर्माण जो है सूक्ष्म कणों से बना होता है, यानी कि स्मॉल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, पार्टिकल नहीं, पार्टिकल्स से बना होता है। द्रव्य कणों के मध्य क्या होता है? स्पेस यानी कि स्थान होता है। जो कण देखने को मिलते हैं उसके बीच जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके बीच में, जूम करके दिखा देता हूँ, ये द्रव्य के कण हैं। इसके बीच में क्या है कि कुछ स्थान है यानी कि खाली जगह है, ये इस तरह से जो इसके परमाणु जो होते हैं, जो अणु होते हैं, आपस में क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं। द्रव्य जो कण होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? गतिशील रहते हैं, तथा तापमान बढ़ने पर इनकी गति जो होती है बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। द्रव्य कणों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। इसलिए इनके जो कण होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है इसके कारण, ये इनके जो कण होते हैं वो आपस में बंधे रहते हैं। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में आकर्षण बल होगा, तो ठोस में सबसे अधिक होता है और गैस में आकर्षण बल ना के बराबर होता है। इसकी जो कण होते हैं वो इधर उधर तितर बितर होते रहते हैं। द्रव्य के लिए पदार्थ, द्रव्य के जो है, द्रव्य के प्रकार जो होते हैं पदार्थ कहलाते हैं, यानी सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि आपका लोहा हो जाता है, गिट्टी हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, मोम हो जाता है, ये क्या है? आपके पदार्थ हैं। पदार्थों के मिश्रण से बने, पदार्थों के मिश्रण से बनी विशेष गुणधर्म वाली सामग्री वस्तु या ऑब्जेक्ट कहलाती है, जिसको हम कह सकते हैं गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, घर हो गए, ये हो गए विशेष गुणधर्म वाले ये तत्व हैं। तो आइए फिर इसकी परिभाषा थोड़ा सा विशेष रूप से और थोड़ा सा डिटेल में देख देते हैं। हमारा जो है कीबोर्ड 17 बहुत दूर रखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए पदार्थ और उसकी अवस्थाएं देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पदार्थ समझ में आ गया ना? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है। द्रव्य की बात करें,
द्रव्य वह है जो स्थान घेरता तथा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। द्रव्य की अविनाशता का नियम जो है लेवोजियर के द्वारा दिया गया था, ये मैंने आपको पीछे बताया था। तो पदार्थ या कहें आपका द्रव्य की जो है तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव और गैस। ठोस अवस्था की अगर बात की जाए तो पदार्थों की वह भौतिक अवस्था है जिसमें उसका आकार तथा आयतन जो है निश्चित होता है, जो कि ठोस अवस्था यानी कि ठोस कहलाता है। क्योंकि जो है आपके परमाणु जो होते हैं या परमाणु के जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित, एक निश्चित आकार में होते हैं, यानी कि ठोस होता है वो परमाणु जो बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है इसलिए वो अपने आप को ठोस कर लेता है। यानी परमाणु जो जुड़े तो होते हैं, अणु जुड़े तो होते हैं, यहाँ पर देखिए कि आप बिल्कुल शेप में हैं, इस तरह से, इस तरह से ये देखेंगे तो इस तरह से ये शेप में है। आगे मैं आपको दिखा दूंगा, क्लियर करूँगा, ये जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो है, जब जुड़े हुए हैं तो इसने एक निश्चित आकृति ले ली है। तो ठोस पदार्थ जो होता है वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मान लीजिए ये ठोस है तो इसका एक आकार और आयतन निश्चित कर दिया, तो ये अब ये बदलें, अब ये ताकत ताकत लगाएं, इसको हम पिघलाएं तो बात अलग है, अन्यथा की स्थिति में ये क्या है, इसका एक अपना एक आकार, निश्चित आकार है। मान लीजिए ये गिलास है, ये ठोस है, तो इसमें जो द्रव है, ये मान लीजिए टपक रहा है, ये टिप टिप बरसा पानी हो रहा है, या पानी जो है ये बर्फ जो है पानी ये टपक रहा है, तो मान लीजिए ये क्या हो रहा है, ये ठोस है, ये गिलास तो ठोस है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, मान लीजिए जो भी है, जो भी चीज़ है ये, मान लीजिए ये, मान लीजिए इस तरह से ये इसमें द्रव जा रहा है, इसमें आयतन है, जगह तो घेर ही रहा है, साथ ही ये द्रव्यमान भी है, तो कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा सा वजन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से क्या है, ये इस तरह से, तो आपका ये मान लीजिए इसमें था तो इस तरह का शेप ले लिया इसने, बात को समझ पा रहे ना। अब द्रव मान लीजिए ये इसमें द्रव है, अब द्रव में गया, पेट में गया, तो इसने पेट का आकार ले लिया, जिस तरह से वो उसमें जो है लंबी लंबी वो जाती है ना, आंतें वगैरह होती हैं, तो उसमें चला गया ना, समझ पा रहे ना। चलिए आइए समझते हैं, तो क्लियर करते हैं। मैंने क्या बताया, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन जो है निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड होल्ड शेप, यानी कि अपना आकार एक निश्चित आकार ले लेते हैं, और इनका जो वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। तो व्हाट इज अ सॉलिड, अ सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर विथ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि आयतन और उसका आकार जो होता है क्या होता है, निश्चित होता है। पार्टिकल्स आर क्लोज्ड पैक्ड सो दे कैन वाइब्रेट वट नॉट फ्लो, यानी कि इनके जो 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 इसके जो क्या होते हैं, जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही आपस में बहुत ज़्यादा इनमें आकर्षण बल होता है, ये एक तरह से चिपके रहते हैं बहुत अच्छे से, तो ये अपना निश्चित क्या कर लेते हैं, शेप बनाए रहते हैं, यानी आकार निश्चित बना रहता है। सॉलिड आर रिजिड, ये जो सॉलिड यानी ठोस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजिली, इनको जो है इनको दबाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि आपको लगता है कि आप जो है इसको दबा कर, मान लीजिए तो प्लास्टिक या मान लीजिए बहुत ज़्यादा कठोर का मान लीजिए आपका जो है लोहे की छड़ है, तो क्या आप लोहे की छड़ को क्या है मान लीजिए दबा कर पिचका सकते हैं, क्या कंप्रेस्ड कर सकते हैं, नहीं ना। चलिए चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज अ सॉलिड, एक मिनट, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड्स आर यूजली हार्ड बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि उसके जो है परमाणु संरचना क्या होता है वो हार्ड यानी कि रिजिड होता है। सॉलिड हैव द टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, द क्लोजर द मॉलिक्यूल्स द हार्डर द सॉलिड, सॉलिड्स ऑलवेज होल्ड देयर ओन शेप, यानी कि जो उनका अपना स्वयं का क्या होता है आकार होता है या शेप होता है वो लिए रहते हैं। चलिए द्रव देख लेते हैं, पदार्थ में उनकी अवस्था में द्रव्य की बात करते हैं, द्रव द्रव, ठीक है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित रहता है परंतु उसका आकार पात्र के आकार जैसा हो जाता है जिसमें वह रखा जाता है, द्रव अवस्था कहलाती है, या कहें द्रव कहलाता है। फिर से बता दूं, ठोस अवस्था में मैंने बताया था, ठोस अवस्था में वस्तु का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, वहीं द्रव अवस्था की अगर बात की जाए तो मैंने बताया द्रव अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन जो है अनिश्चित, आकार मतलब उसका निश्चित नहीं होता है, बल्कि जबकि उसका जो आयतन होता है उसका जो है आयतन होता है वह निश्चित होता है, और द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखा जाता है उसका ही क्या कर लेता है, आकार ले लेता है। मान लीजिए ये पानी है, पानी हम किसी में डालेंगे तो उस आकार ले लेगा, मान लीजिए ये कटोरी है
और इसमें हम पानी डाल दें। अच्छा, तो इसका आकार ले लेंगे, समझ रहे बात को? मान लीजिए गिलास है, तो इसमें गिलास में डाला तो गिलास का आकार ले लिया। मान लीजिए हम कोई थाली ले आए, आकार इसमें भी है, वो क्या बोलते हैं, आयतन इसमें है, जिस तरह से जिस तरह आपका ठोस ठोस में आयतन था, उसी तरह से इसमें भी आयतन होता है, ठीक है, द्रव्यमान भी इसका होता है, ठीक है, बस क्या नहीं होता है, आकार जो है इसका निश्चित नहीं होता है। चलिए, डेफिनेशन ऑफ अ लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट सी, यानी कि इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, डेफिनेट यानी कि निश्चित होता है, लेकिन उसका जो आकार होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। टेक ऑन द शेप ऑफ अ कंटेनर दे आर, जिसमें भी ये डाला जाता है उसका ये आकार ले लेता है। लिक्विड्स आर ऑफन कॉल्ड द फ्लूइड्स, ठीक है, सब्सटेंस दैट फ्लो, ठीक, लिक्विड्स कैन बी पोरेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड के, सॉलिड के आप देख सकते हैं जो पार्टिकल्स थे, यानी कि जो उसके जो कण थे, आप किस तरह से देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल पास पास हैं, बहुत ज़्यादा इसको कंप्रेस्ड भी करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पर ये सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ये ठोस अवस्था में है, अपना एक आकार ले रखा है। वहीं लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स भी थोड़े दूर दूर हैं, कण थोड़े दूर दूर हैं, इसलिए जिस पात्र में जाते हैं उसका आकार लेते हैं। गैस की अगर बात करें तो गैस जो है आपका क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं इसके, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है वॉल्यूम, और ना ही इसका क्या होता है उसका आकार। चलिए, व्हाट इज द सॉलिड, व्हाट इज अ लिक्विड, सो व्हाट इज अ लिक्विड, व्हाट आर सम एग्जांपल्स, यू कैन थिंक ऑफ द वाटर, पॉप, जूस, गैसोलिन, क्रीम्स, वाइट ग्लू, ब्लड, ठीक है। लिक्विड्स हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट इट व्हाट एन इनडेफिनेट शेप, यानी कि इसका जो क्या होता है, आयतन इसका निश्चित होता है, व्हाट, लेकिन इसका जो है शेप यानी कि जो आकार होता है वो निश्चित नहीं। इफ यू वेट अ ग्लास ऑफ वाटर इट विल हैव अ मास, यानी कि इसका क्या होगा, द्रव्यमान भी होगा। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वाटर इज अ पूर इन डिफरेंट देन दैट ऑफ अ कॉफी कप, यानी सीधे शब्दों में है कि इसका द्रव्यमान भी होगा, आयतन भी होगा, लेकिन इसका शेप जो है वो निश्चित नहीं होता है। ये किसकी क्वालिटी होती है, किसका जो है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, ये आपका द्रव की एक विशेषता होती है। गैस की बात कर लेते हैं, गैस इसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका क्या निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। इसके अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर और होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, इस कारण ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से गति, या कहीं इनकी गति जो होती बहुत तेज होती है, इसलिए पकड़ में भी बहुत लेट आते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको, पदार्थ की भौतिक अवस्था जिसका ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार, गैस अवस्था कहलाती है। तो डेफिनेशन ऑफ अ गैस, गैस इज सब्सटेंस दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइडली सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स इन अ रैपिड मोशन, ठीक, यानी कि ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से आपस में क्या करते हैं, संपीड़न करते हैं, टकराते रहते हैं। जब टकराते हैं, जब मान लीजिए कोई चीज़ मटर रखी हुई है, मटर जब है, मान लीजिए मटर है, तो इसमें टकराएगी तो टक्कर लगेगी, फिर वो दूसरे में टकराएगी, वो तीसरे में टकराएगी, वो उससे टकराएगा, इस तरह से क्या करते रहते हैं, ये दूर जाते रहते हैं आपस में, टकरा टकरा के, तो ये रैपिडली मोशन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैस आर द यूनिफॉर्म गैसेज विल द एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर, यानी कि जो गैसें होती हैं, यानी कि जो गैसेस होती हैं, उनको क्या कर सकते हैं, आप किसी कंटेनर या फिर किसी पात्र में भर सकते हैं, लेकिन उनको पैक करना पड़ेगा, ठीक है। चल, स्टेट ऑफ मैटर मैंने बता दिया था, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जिसमें आपका सॉलिड का जो है कण जो है पास होते हैं, इसके थोड़े और दूर होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। चल, ये आपको देखने दिख रहा होगा, चल, स्टेट ऑफ मैटर पर देख सकते हैं, सॉलिड एग्जांपल आप देख लीजिए, सॉलिड, ठीक है, लिक्विड, ठीक, गैसेस और प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा।
प्लाज्मा की अगर बात करें, प्लाज्मा अवस्था की, वैसे मैं प्लाज्मा भी आपको हल्का सा चिपका देता हूँ, प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा जो एक तरह से क्या होती है, गैसें होती हैं। प्लाज्मा कैसी होती है? गैसें होती हैं, लेकिन आयनीकृत गैस होती है, यानी कि आयनीकृत, जिसमें क्या होती है, धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित, जो ऋणा ऋण आवेश जिसमें लगा होता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कर ली जाती है, बराबर कर ली जाती है। और प्लाज्मा अवस्था में गैसें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती हैं, बहुत अधिक ज़्यादा प्रभावित होती हैं। ठीक है, प्रभावित होती हैं, ठीक, प्रभावित होती हैं। ठीक, चलिए, सॉलिड में आप देख सकते हैं, रिजिड रिजिड, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, यानी कठोर होता है आपका, निश्चित आकार होता है, निश्चित वॉल्यूम होता है। नॉट रिजिड यानी कि कठोर होते नहीं हैं, साथ ही इनका न तो शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, यानी वॉल्यूम इसका फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना तो ये कठोर होती हैं, ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इनका शेप फिक्स होता है। चलिए, पदार्थ है उसकी अवस्था में ही बात करते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं तत्व। तत्व इसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं एलिमेंट्स। समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को क्या कहा जाता है? तत्व कहा जा सकता है। समान यानी कि समान परमाणु क्रमांक, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, सोना। सोना का क्या होता है, सोना, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सूत्र जो होता है ओ टू होता है, बात को समझना, ओ टू होता है। और ऑक्सीजन को हम, चाहे वो भौतिक प्रक्रिया हो चाहे रासायनिक प्रक्रिया हो, ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि उसका, अगर हम ऑक्सीजन को तोड़ के कहाँ ले जाएंगे भाई, बात को समझना ना। ऑक्सीजन को तोड़ के हम क्या परमाणु में विभक्त कर देंगे भाई। ऑक्सीजन एक अपने आप में एक तत्व है, परमा क्या है, एक समान प्रकार के परमाणु से बना हुआ है, यानी ऑक्सीजन के दो अणु हैं उसमें, वो मिलकर क्या बन गया, आपका ऑक्सीजन बन गया। हीलियम का उसमें एक अणु है, वो अपने आप में हीलियम बना रहा है। अब हीलियम को तोड़ के हम क्या करेंगे, जीलियम बनाएंगे, पीलियम बनाएंगे, थीलियम बनाएंगे, कुछ नहीं बन सकता। हीलियम को तोड़ के कुछ नहीं बन सकता, ऑक्सीजन को तोड़ के कुछ नहीं बन सकता। ये एक शुद्ध रूप है, समझ पा रहे हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए शुद्ध पदार्थ को तत्व कहा जाता है। जिसमें से सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, आप हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा आपका, लोहा ले लीजिए, ठीक है, आपका जो है शुद्ध रूप है, कार्बन ले लीजिए, पारा ले लीजिए, ये शुद्ध रूप है, इसको कुछ नहीं किया जा सकता। अब भैया आता है यौगिक, यौगिक देख लेते हैं। यौगिक और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का क्या होता है, रासायनिक संयोग होता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, यौगिक कह देते हैं। अब भैया ये क्या होता है, तो तत्व मैंने बताया शुद्ध रूप होता है। तत्व मान लीजिए आपका ऑक्सीजन होता है, शुद्ध रूप आपका ये ऑक्सीजन बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन आपका ओ टू से मिलकर बन गया, ठीक है, समझ पा रहे ना, ओ टू से, या फिर मान लीजिए ओ है आपका, ओ आपका ऑक्सीजन शुद्ध रूप हो गया, ठीक, एक तरह से मोटा मोटी ओ टू ही लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारा ये जो है, इसमें हम प्यार करा देते हैं, मान लीजिए हमने प्यार कराया, किसके साथ प्यार करा देते हैं हम, इसका मिलन करा देते हैं एच के साथ, तो एच के चार अणु हो गए, या फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, एच के दो अणु प्लस ऑक्सीजन के एक अणु को मिलाकर हमने बनाया एच टू ओ, ये हमारा एक यौगिक बना, जिसको हम कहेंगे क्या, जल। समझिए बात को, शुद्ध रूप अगर हम इसमें से निकालें, तत्वों को निकालें, दो तत्व से कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया हाइड्रोजन, एक ये तत्व हो गया, दूसरा तत्व हो गया ऑक्सीजन, प्लस दोनों मिलकर क्या बने, हमने दोनों का मिलन कराया, इसको हम अंधेरे में लेके चलते हैं, मैंने बताया ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन गया, एच टू ओ, यानी कि हमने मिलाकर क्या बनाया, ये आपका हाइड्रोजन क्या एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, शुद्ध रूप है, दो तत्वों को मिलाकर क्या बनाया, हमने एक यौगिक बनाया जो कि क्या बना, जल है। तो क्या मैंने बताया, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का रासायनिक संयोग है। यौगिक कण उसके अवयव तत्वों के गुणों से क्या होता है, अलग यानी कि भिन्न होता है। यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। अब भैया ई का पक रहा है भैया, तो मैंने बताया यौगिकों के कण एवं अवयव तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। मान लीजिए मैंने कहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, जल। ये है, वैसे तो जल में उठा लेता, मैं उठा लेता हूँ, लुंगी पहनी हुई है मैंने, मैं तो उठ के ले आता, चलिए कोई बात नहीं, मैं उठा ले रहा हूँ, लुंगी दिख जाएगा कभी, ये क्या था, थोड़ा लुंगी पहन के
भाई किसी ऑफिस में तो बैठे नहीं है, बस उम्मीदें दिखनी नहीं चाहिए, कैमरे में हमको दिखता नहीं है। चलिए, ये हमारा जल है, इसमें दो अणु जो है हाइड्रोजन के हैं और एक अणु जो है ऑक्सीजन का है। अब आप एक दिमाग लगाना, मैंने बताया बात को समझना। यहाँ पर ये कह रहा है कि यौगिक के कण और उसके अवयव तत्वों के गुणों में क्या होता है, भिन्न होता है उसके गुण। क्या हाइड्रोजन गैस को आप पी सकते हैं या फिर खा सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं? नहीं, वो आप अगर लेते हैं तो आपकी मृत्यु जो है निश्चित है, यदि आप ओनली हाइड्रोजन लेते हैं। बात को समझिए, ऑक्सीजन लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में, यदि आप मतलब हद से ज़्यादा आपका चला जाता है तो भी प्रॉब्लम होती है ना। एक निश्चित अनुपात होना चाहिए ऑक्सीजन का, बात को समझ पा रहे हैं, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाकर क्या बना? जल बना। क्या बताना कि आपको ऑक्सीजन ना दी जाए, बात को समझना, दिमाग लगा ना, ऑक्सीजन ना दी जाए और केवल पानी पिलाया जाए, आपकी नाक बंद कर दिया और पानी दे दिया जाए, तो आपकी तो भी तो मृत्यु हो सकती है, बात को समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर है यौगिक के कण और उसके अवयव तत्वों के गुणों से क्या होता है, भिन्न होता है। आप सांस ले पा रहे हैं ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन अब हम आपको कहें कि आप ऐसा करिए पानी में डुबकी मरवा देते हैं आपकी, और पानी में डुबकी मरवाने के बाद आप ऐसा करिए, कैसा करेंगे कैसा करेंगे कैसा करेंगे, कि आप जो है उसमें से जो हाइड्रोजन है उसका एक अणु जो है हाइड्रोजन का आप ले लो, और हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन का एक अणु ले लो, आप उससे सांस ले लो, नहीं ले पाओगे ना। तो यौगिक के कण और उसके अवयव तत्वों के गुणों से क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, चलिए, यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक भी निश्चित होते हैं। चलिए, ऑक्सीजन ये आपका क्या है, एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या बन गया, एक यौगिक, एक अणु ये हाइड्रोजन का, एक अणु ये हाइड्रोजन का और एक अणु ये ऑक्सीजन का, क्या मिलकर बना, पानी यानी कि वाटर। क्या है ये आपका, यौगिक यानी कंपाउंड। एक अणु आपका नाइट्रोजन का, दो अणु किसके आपके, ऑक्सीजन के, क्या बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दो अणु आपके ऑक्सीजन के, एक अणु आपका कार्बन का, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चल, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर एटम और मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए देखते हैं एलिमेंट थोड़ा देख लेते हैं। सब्सटेंसेस कैन बी द कंसाइडर्ड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एंड एलिमेंट्स इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर दैट हैज अ यूनिक सेट ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑल सब्सटेंस फाउंड ऑन द पीरियोडिक टेबल आर एलिमेंट्स। ठीक, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो हीलियम जो है आपका क्या है, एलिमेंट्स है, और आपका ऑक्सीजन ये यहाँ पर सिंपल सा एलिमेंट है। ठीक है, कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ द एटम, यानी कि एक प्रकार का क्या है इसमें आपका अणु है, यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दो अणु हैं ऑक्सीजन के ही, सिंपल फॉर्म है ये, चाहे चार कर दो पाँच करो रहेगा ऑक्सीजन ही। ठीक, हीलियम का एक अणु है यहाँ, वहीं आपका कंपाउंड्स की बात की जाए, कंपाउंड यौगिक की बात की जाए, एक अणु क्या है आपका हाइड्रोजन का और दो अणु जो है आपके क्या है ऑक्सीजन के। ठीक है, सॉरी, दो अणु आपके हाइड्रोजन के और एक अणु किसका है आपका हाइड्रोजन का, वो दो, एक अणु जो है ऑक्सीजन का। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या बनकर तैयार हो जाता है, वाटर आपका बनकर तैयार हो जाता है। चलिए चलिए साथियों, आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा पदार्थ देख लेते हैं, पदार्थ में मिश्रण देख लेते हैं। मैंने आपको यौगिक बता दिया, यौगिक को एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैंने यौगिक को क्या बताया था, यहाँ पर आप फिर से समझ जाइए, समान प्रकार के परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, सोना चांदी ETC। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात का रासायनिक संयोग है। यौगिक के कण इसके अवयव तत्वों के गुणों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर देखते हैं मिश्रण। तो मिश्रण दो या दो से अधिक किन्हीं भी पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलाने से ये बन जाते हैं, हम इसको कह सकते हैं अनिश्चित। यौगिक में क्या था, निश्चित अनुपात है, यहाँ मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक मिश्रण जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन भी ना हो, तो इसको हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में शामिल अवयवों को अलग अलग भौतिक क्रियाओं जैसे कि निस्यंदन, आशवन,
उत्पातन आदि के द्वारा फिर से अलग किया जा सकता है मिश्रण का, ठीक है। तो मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जिस तो आपको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट्स यानी कि तत्व जो होता है शुद्ध रूप होता है, कंपाउंड जो होता है दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, मिक्सचर क्या होता है निश्चित अनुपात में मिश्रण, निश्चित अनुपात का नहीं होता बस ये बन जाता है मिक्सचर, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस, थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिमेंट्स एनी सब्सटेंस दैट कंटेंड ओनली वन काइंड ऑफ द एटम कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, यानी कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द एटम ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ब्रोकन डाउन, इसको भी तोड़ा जा सकता है। यानी कि मैंने बताया था कि कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मान लीजिए, या फिर हाइड्रोजन और प्लस जो है आपका जो ऑक्सीजन मिलाकर आपका जल बन जाता है, तो जल को अलग किया सकता है, किया जा सकता है, और आपका हाइड्रोजन को अलग किया जा सकता है, तो इसको तोड़ा जा सकता है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स या कहें कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड, ठीक है, इनको भी अलग किया जा सकता है। चलिए समझते हैं आगे, पदार्थों की अवस्था में मिश्रण मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटर जो होता है आपका मैंने बताया प्योर सब्सटेंस जिसमें आपका एलिमेंट आ जाता है और कंपाउंड आता है, मिक्सचर में आपका आ जाता है एन ए एच सी ओ थ्री प्लस एन ए सी एल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। तो आपका शुद्ध रूप देखा जाए तो आपका मैंने बताया था जैसे आपका जो है ये इस तरह से आपका, ठीक, यहाँ पर जो है एलिमेंट से आपका शुद्ध, या फिर आपका मान लीजिए एच है, हाइड्रोजन है, ये तो आपका एलिमेंट्स हो गया, एच टू ओ ये आपका जल हो गया। अब वहीं आपका मिश्रण की बात करें तो जल प्लस मतलब एच टू ओ प्लस एन ए सी एल, यानी कि जल प्लस आपका नमक यानी कि एन ए सी एल, ठीक है। तो इस तरह से ये वो आपका मिक्सचर हो गया। अब हमें पता नहीं, निश्चित अनुपात नहीं है क्या किसमें कितना मिला है, हमें आइडिया नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा मैं इसको हल्का हल्का ऊपर ऊपर तैरा दूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। केमिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो डिफाइनिंग द केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड द प्रॉपर्टीज एज वेल एज द चेंज दिस मैटर अंडर गोजेस, ठीक है। चलिए गोजेस, ठीक, सम एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज, तो जिसमें आपका बैटरी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ये केमिकल आपका है चेंज, रस्टिंग स्टील यानी कि जो आपका स्टील वगैरह है या फिर जो भी लोहा वगैरह है उसमें जंग लगना, बेकिंग अ केक आपका एक केमिकल प्रोसेस ही है, रविशिंग फायर ये आपका केमिकल ही प्रोसेस है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर यानी क्या है, पदार्थ का क्या है अध्ययन करना ही क्या कहलाता है रसायन विज्ञान, एंड इट्स प्रॉपर्टीज यानी कि इसके गुण धर्म उस पदार्थ के, एज वेल एज द चेंज दिस मैटर अंडर गोज, ठीक। चलिए फाइव मेजर ब्रांचेस ऑफ द केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री कंसर्न्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इसमें हम चर्चा करते हैं द लॉ एंड द थ्योरीज ऑफ द केमिकल एंड फिजिकल चेंज, ठीक, इस तरह से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंसर्न द कार्बन फ्री सब्सटेंस, इसमें हम चर्चा करते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए कंसर्न द कंपाउंड्स, द कंपाउंड द कंटेनिंग कंटेनिंग द कार्बन स्पेशली दोज ऑल्सो द कंटेनिंग हाइड्रोजन, ठीक। बायो केमिस्ट्री जैव रसायन जिसको कहते हैं कंसर्न द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सिस्टम, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको हमने बताया विश्लेषणात्मक रसायन, ठीक। तो कंसर्न द टाइप एंड द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंट इज इन एनी मैटर बीइंग एग्जाम जिसको हम कहते हैं कि एग्जामाइंड, ठीक है, जो भी कह सकते हैं आप, मतलब क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, जांच करना, चलिए जांचना पर रखना। समरी ऑफ मैटर डिफाइनिंग द मैटर, तो मैटर मैंने आपको बताया था पदार्थ बताया, मैटर इज द मटेरियल कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स, इट हैज मास एज ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी क्या बताया था मैंने, बताया था मैटर क्या, मैटर मैंने पदार्थ में क्या बताया था कि अ मटेरियल कंपोनेंट्स कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स इट हैज द मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी कि ऐसा कोई भी तत्व या कोई भी मटेरियल या कोई भी पदार्थ जो इसमें क्या हो द्रव्यमान हो साथ ही वह क्या करता हो, वो क्या करता हो आपका स्थान को घेरता हो यानी कि ऑक्यूपाइड स्पेस स्थान को या जगह घेरता हो उसको हम क्या कहते हैं मैटर या पदार्थ कहते हैं। सब्सटेंस
सब्सटेंस आर मटेरियल दैट हैव अ डेफिनेट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. प्योर वाटर, प्योर लेड, प्योर शुगर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस सब्सटेंस. सब्सटेंस फॉल इंटू टू ग्रुप्स, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. ठीक, तो एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ ओनली काइंड्स ऑफ एटम, एटम गोल्ड, हाइड्रोजन, सल्फर, लेड. पीछे मैं बता चुका हूँ, मैंने क्या बताया था, जो पदार्थ होते हैं वो दो तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप. प्योर में आपका आ जाता है एलिमेंट जिसमें तत्व होता है एक तरह के, इसमें क्या होते हैं, एक ही प्रकार के इसमें परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होगा, जैसे गोल्ड, हाइड्रोजन, सल्फर. वहीं कंपाउंड क्या बनता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है. तो कंपाउंड्स आर द सब्सटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ द एटम्स केमिकली कंबाइंड. सॉल्ट, वाटर, शुगर, तो सॉल्ट मैंने बताया था कि सोडियम हो गया, सोडियम प्लस NaCl, Cl यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन हो गया, तो ये मिलकर बनता है सोडियम क्लोराइड. शुगर देखा जाए, मतलब वाटर देखा जाए, तो वाटर तो H, हाइड्रोजन 2 प्लस O, तो H2 आपका बन जाता है वाटर. तो इस तरह से जो है आपका कंपाउंड हो गया. ठीक, चल मिक्सचर मैंने बताया था, और मिक्सचर इज अ ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड द कंपोनेंट्स. कंपाउंड किसको हम कहते हैं, कंपाउंड यानी कि तत्व भी हो सकते हैं इसमें और यौगिक भी हो सकते हैं. बस होता क्या है कि आपका इसमें निश्चित अनुपात होता है. इंटर मिंगल टूगेदर फिजिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजेनियस एंड द होमोजेनियस. ठीक, तो हेट्रोजेनियस या फिर ये दोनों होते हैं, एक तो होता है क्या बोलते हैं इसको, समांगी मिश्रण, होमोजेनियस जिसको कहते हैं समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण. जो समांगी मिश्रण होता है वो वास्तविक मिश्रण होता है, और विषमांगी जो होता है, विषमांगी जो होता है, हेट्रोजेनियस जो होता है उसमें क्या होता है, वो वास्तविक मिश्रण नहीं होता है, ये कुछ भी उल्टा सीधा मिल सकता है. तो आइए देखते हैं, तो हेट्रोजेनियस मिक्सचर डू नॉट हैव एन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड आर मिक्सचर ऑफ एट लीस्ट टू सब्सटेंसेस. ठीक है, एग्जाम्पल इंक्लूड सोल, जो मिट्टी होती है उसमें जो है निश्चित अनुपात नहीं होता है, वो मिक्सचर होता है. कंक्रीट होता है, लकड़ी होती है, वुड जिसको हम कहते हैं, बनाना स्प्लिट होता है, ग्रेनाइट होता है, तो इसमें एक निश्चित अनुपात नहीं होता. वहीं तो है होमोजेनियस मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण. आर कॉल्ड द सॉल्यूशन एंड आर कॉल्ड सॉल्यूशन, यानी कि ये जो वास्तविक विलयन होता है ये, ठीक है, वास्तविक मिश्रण होता है. ठीक है, तो सॉल्यूशन एंड हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर इंक्लूड द इंक्लूड वेल मिक्स्ड, जैसे कि सॉल्ट वाटर यानी कि नमक प्लस नमक और आपका सॉल्ट वाटर, नमक और आपका पानी, तो जिसमें आपका हो जाएगा नमक मतलब NaCl प्लस आपका H2O इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, NaCl. ठीक है, तो इस तरह से ये नमक यानी कि सॉल्ट वाटर हो गया, पेट्रोल एंड स्टील हो गया. फेसेस की बात करते हैं, फेज ये भी बोलते हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ सिस्टम विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड द कंपोजिशन. फॉर द एग्जांपल व्हेन ऑयल एंड वाटर आर मिक्स्ड वाई द सेपरेट इनटू टू फेज, उनकी पानी और आपका जो है क्या बोलते हैं तेल को अगर मिला दिया जाए तो उसके दो फेज बनेंगे, एक तो नीचे होगा आपका पानी, ऊपर जो हो जाएगा तेल. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फॉर द एग्जाम्पल व्हेन ऑयल एंड वाटर आर मिक्स्ड दे सेपरेट इनटू टू फेजेज. होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एन सिंगल फेज. ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेज, यानी कि होमोजेनियस जो होता है समांगी मिश्रण होता है, उसका एक यानी सिंगल फेज होता है. यानी कि नमक और चीनी को अगर घोला, नमक और चीनी नहीं, ये मान लीजिए पानी है, मान लीजिए इस ग्लास में चीनी पड़ी हुई है, इस तरह से चीनी मान लीजिए पीछे रखी हुई है लेकिन उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है बाद में देखते हैं. मान लीजिए इसमें चीनी डाल दी, तो इसमें क्या है कि आपको मिलाने के बाद एक सिंगल फेज मिलेगा. इसमें क्या है कि पानी मान लीजिए कोई कलर मिला दे, तो पानी जो है इस तरह पिएंगे, सिंगल फेज, इसमें पानी भी मिला है नमक भी मिला है, तो हमें मालूम नहीं पड़ रहा है इस तरह से. वहीं अगर हम टू फेज की अगर बात करें, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें, तो इसमें मान लीजिए नमक और तेल मिल, वो तेल और वो पानी और तेल मिला दिया, तो इसके ऊपर अगर हम पानी डालें तो पानी का जो है फेस, या कहें फेस जो है, या कहें जो परत जो है अलग से दिखेगी. क्लियर हो रहा है ना, तो जो
पिस्मांगी मिश्रण होते हैं उसमें क्या होता है, निश्चित अनुपात में भी नहीं होता, साथ ही उसका जो है फेज जो है दो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मिक्सर टू फेज, तो नमक और पानी की बात करें तो सिंगल फेज हो जाएगा, ठीक है, नमक और पानी की बात करें, या फिर आपका जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला हो रहा है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। मिट्टी का तेल आपका हो जाता है, मिट्टी का तेल जैसे है, तो वो क्या है आपका एक तरह से समांगी मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समरी ऑफ मैटर, तो एन एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, शुद्ध था, एटम ऑफ ओनली वन काइंड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, अ कंपाउंड टू और मोर एलिमेंट्स, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है, सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है। मिक्सचर की बात करें, टू और मोर सब्सटेंस, जिसमें आपका हो जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म टू और मोर फेजेस, ठीक है, तो फेज वन और फेज टू यहाँ पे इस तरह से बन जाता है। वहीं कॉपर सल्फेट या सॉल्यूशन जिसको कहें तो होमोजीनियस मिक्सचर, तो कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म सिंगल फेज सिस्टम, ठीक, अ फेज इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम विथ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है, इससे हमारा पता चल जाता है कि ये क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेटिंग मिक्सचर्स, ठीक है, जो मिक्सचर वगैरह होता है, जो मिश्रण होता है, उसको कैसे जो है अलग किया जाता है, कई सारी विधियाँ होती हैं जिसमें आपका आ जाता है विनोइंग, स्लिशिंग, ठीक है, स्लिशिंग, ठीक है, फिल्टरिंग या अमंग अदर, ठीक, डिस्टिलेशन, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, ठीक है, और आपका जो हो जाता है डिकेंटिंग, ठीक है, डिकेंटिंग। तो सेपरेटिंग मिक्सचर की बात की जाए तो सेपरेटिंग मिक्सचर इनटू देयर द कंपोनेंट्स पार्ट्स डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, समटाइम्स मिक्सचर आर सेपरेटेड नेचुरली सच आर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट्स, और डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं मतलब अयस्क जो होता है, पीपल यूज मैनी टेक्निक टू द सेपरेट मिक्सचर इंक्लूडिंग द डेकेंटिंग, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, विनोइंग, विनोइंग, ठीक है, स्लोइसिंग एंड द फिल्टरिंग अमंग अदर। देयर आर फोर सेपरेटिंग टेक्निक्स विच आर इम्पोर्टेंट टू केमिस्ट, दे आर द फिल्ट्रेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द डिस्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो आपका जो मिक्सचर होता है, जो उसको किस तरह से जो है अलग किया जाता है, जैसे मान लीजिए नमक और पानी का मिक्सचर है, या फिर मान लीजिए किसी और का मिक्सचर, तो उसको किस तरह से, तो जो चार जो टेक्निक जो हैं वो प्रमुख रूप से देखी जाती हैं, जैसे कि आपका जो है मान लीजिए किसी में मिट्टी है, मान लीजिए हमने खुदाई की, खुदाई करने के बाद जो है खनन से माल निकला, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि उसमें मिट्टी वगैरह है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि उसमें जो लोहा वगैरह निकला है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे मैग्नेटिक अट्रैक्शन वाला एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि एक जगह मैग्नेट लगी होगी, मान लीजिए इस तरह से माल जा रहा होगा, तो इस तरह एक चक्र वगैरह लगा होगा, तो मैग्नेट लगी होगी, तो उसमें क्या है कि मैग्नेट से जो जो मिट्टी वाला माल है वो तो हट जाएगा, और जो लोहा वगैरह है जो इसमें चिपक सकता है वो आकर और जो है अलग हो जाएगा, मिट्टी अलग हो जाएगी और मैग्नेट माल जो है वो इधर हो जाएगा। इस तरह से डिस्टिलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, मान लीजिए चीनी और नमक का घोल है, तो हम क्या करेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल कैसे करेंगे, रबेदार हम कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए हम उसका जो पानी दबा जला देंगे तो क्रिस्टल वगैरह रह जाएंगे, नहीं रबेदार रह जाएगा, तो उसमें से माल हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें आपकी कर सकते हैं सेपरेशन, इसको हम आगे बात करेंगे। फिल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन यूज द पार्टिकल साइज एज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, अ सॉलिड लार्ज पार्टिकल साइज इज द सेपरेटेड फ्रॉम अ लिक्विड, द सॉलिड रिमेन्स इज फिल्टर पेपर वाइल द लिक्विड पासिस थ्रू इन टू द फ्लास्क ब्लो, ठीक, यानी इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए एक क्या लगा है, पेपर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो लिक्विड वाला पदार्थ है नीचे आ जाएगा, और जो माल है मतलब जो सॉलिड माल है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा, तो ये फिल्ट्रेशन वाला, यानी फिल्टर करके पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल साइज मतलब छोटे छोटे कण अगर हैं तो, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइजेशन यूज द सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस एज द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स द सब्सटेंस टू द प्योरिफाइड द क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज दैट द सब्सटेंस कूल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट कैन बी द प्योरीफाइड इन द फैशन, या फिर मान लीजिए नमक और पानी का घोल है, या फिर मान लीजिए नमक और चीनी और पानी का घोल है, तो हम क्या करेंगे उसको गर्म करेंगे,
तो गर्म करेंगे, जब गर्म हम उसमें करेंगे तो करने के बाद क्या करेंगे, उसमें जो पानी पानी हो जाएगा अलग निकल आएगा, या फिर सूख जाएगा या फिर जल जाएगा, और जो है चीनी चीनी अलग आ जाएगी, तो उसमें क्या है क्रिस्टल बन जाएगा, यानी कि रबेदार बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे समझते हैं। सेपरेटिंग मिक्सचर्स, ठीक, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी डिफरेंसेस एज द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। एज सॉल्वेंट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द वांटेड वांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द अनवांटेड मटेरियल। द सॉल्वेंट प्लस द वांटेड सब्सटेंस फ्रॉम अ सिंगल फेजेस, दिस फेजेस कैन बी द कलेक्टेड यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्यूनल। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैन देन बी द ट्रीटेड टू द आइसोलेट द वांटेड सब्सटेंस। ठीक है, दिस मेथड इज यूज टू द एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर एंड ऑफ कॉपर एंड द प्लांट पिगमेंट्स। ठीक, चल डिस्टिलाइजेशन देखते हैं। डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन तो डिस्टिलेशन यूज द वोलेटिलिटी डिफरेंसेज एज द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स। वोलेटिलिटी इज एज विस एज विथ विच अ सब्सटेंस बिकम अ गैस। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल इज सेपरेट फ्रॉम वाटर यूजिंग द डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज टू द सेपरेट सब्सटेंस विथ स्मॉल वॉलिटिली डिफरेंस सच एज दोज दैट मेक अप द क्रूड ऑयल। ठीक है, चलिए इसमें होता क्या है, इसमें डिस्टिलेशन कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए शराब से पानी को निकालना है तो हम गर्म करते हैं और भाप बनाकर जो है पानी पानी अलग निकल जाता है, इसको हम डिटेल में आगे हम बात कर लेंगे। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल चेंजेज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी द ऑब्जर्व्ड ऑफ मेजर्ड विदाउट इज चेंजिंग इनटू अनदर सब्सटेंस। सम एग्जाम्पल इंक्लूड मेल्टिंग पॉइंट कलर ऑर्डर मेलेबिलिटी एंड स्टेट, जैसे लिक्विड सॉलिड लिक्विड एंड गैस। एंड फिजिकल चेंज की बात की जाए तो फिजिकल चेंज चेंज इज एंड अल्ट्रेशन टू द फिजिकल फॉर्म या कहें और स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट द अल्टरिंग इट्स कंपोजिशन। फिजिकल चेंज ओनली अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सम एग्जाम्पल इंक्लूड्स स्क्वैशिंग फ्रैक्चरिंग वॉइलिंग एक्सट्रूडिंग्स, ठीक है, कंडेंसिंग एंड मोल्डिंग। ठीक, चलिए तो स्टेट ऑफ मैटर यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया पीछे द थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। आइस जिसको सॉलिड के नाम से जानते हैं, अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इट्स पार्टिकल पोजिशन आर द फिक्स्ड रिलेटिव टू वन अनदर। ठीक है, वाटर या कि लिक्विड, अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड द टेक अ शेप ऑफ इट कंटेनर इट इट्स पार्टिकल्स फ्लो ओवर वन अनदर। ठीक है, स्टीम या गैस, अ गैस टेक्स ऑन द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर इट्स पार्टिकल मूव रेंडमली। ठीक है, चलो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल चेंजेज ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब्सटेंस दैट अपियर व्हेन इट कंपोजिशन चेंज। एग्जांपल इंक्लूड द एक्सप्लोसिव रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इन वाटर एंड आयरन कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट। केमिकल चेंज केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कार्बन कैन बी बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम आइदर ऑक्सीजन और कार्बन। यानी कि मैं आपको अगर दोनों को समझाऊं तो कार्बन वो केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल चेंज यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है। अगर केमिकल चेंज की बात की जाए तो केमिकल में ये कहा जाता है कि जब किसी पदार्थ में मान लीजिए कोई पदार्थ है तो उसमें बदलाव हो तो फिर से उसी रूप में ले आया जाए तो वो आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर किसी पदार्थ में बदलाव हो और वो फिर से दोबारा उसी फॉर्म में ना आए तो उसको कह देते हैं केमिकल। मान लीजिए दो पदार्थ क्यों हैं,
मान लीजिए कोई विस्फोटक है तो केमिकल है वो पूरी तरह से, वो फटता है, फटने के बाद वो चारों ओर बिखर जाता है, तो कहीं कुछ बन जाता है कहीं कुछ बन जाता है। अब वो जो पदार्थ था, बॉम्ब जो था फटा, तो वो केमिकल था, अब उसको दोबारा से उसी स्थिति में नहीं लाया जा सकता, बल्कि अब फिजिकल में जाए, मान लीजिए पानी हमने गर्म किया, तो पानी गर्म किया तो भाप में बन गया, पानी भाप में बन गया, भाप मान लीजिए हमने किसी में इकट्ठी कर ली, वो फिर से ठंडी हुई तो फिर से पानी बन गई, तो ये फिजिकल हुआ। फिजिकल में क्या होता है कि पदार्थ जो है फिर से उसी अवस्था में आ जाता है, वहीं केमिकल में क्या होता है वो पदार्थ का जो है स्वरूप, उसकी गुण, उसकी प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाती है। चलिए केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन है ये, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर रिएक्शन हुआ O2+C, क्या बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको हम क्या करें कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन अलग निकाल लें और ये अलग निकाल, तो ऐसा संभव नहीं होता। फॉर द रिएक्शन अबव द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज द लॉ स्टेट दैट द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन और अ फिजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा है कि द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत, ना तो उसको खत्म किया जा सकता है ना ही उसे बनाया जा सकता है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। वहीं ये आपका फिजिकल प्रोसेस में देखा जाए तो ये बर्फ जो है पिघली, बर्फ पिघली पानी में बदल गया, अब पानी को फिर से हम बर्फ बना सकते हैं, इस तरह से ये जो है फिजिकल और केमिकल में अंतर होता है। तो केमिकल में क्या समझा है कि किसी का स्वरूप बदला, मान लीजिए कोई लकड़ी है उसको हमने जलाया, लकड़ी जलाई अब हमने क्या बना दिया, उसकी राख बना दी, धुआं में बदल गई, राख बदल गई। अब एक बात बताना कि फिर से लकड़ी को राख को लकड़ी बनाया जा सकता, भैया नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं परमाणु संरचना के बारे में, यानी कि परमाणु के बारे में बात कर लेते हैं, और इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा क्या, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको, मैंने बताया ज़्यादा नहीं खींचूँगा मैं, उतना लिमिटेड रखूँगा ताकि किसी को कोई कष्ट ना हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी निपट जाए, आपका रिवीजन भी हो जाए। आइए समझते हैं परमाणु। तो द्रव्य का वह सूक्ष्म कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई होती है। फिर से बता दूं, परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था जब बायोलॉजी में, आखिर बायोलॉजी में आपको आने वाले समय में पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पर बताऊंगा कि बायोलॉजी में जो जीवन होता है, जीवित प्राणी या कहीं कोई मनुष्य होता है या फिर कोई भी होता है, तो उसमें सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो जिस तरह से किसी भी जीवित प्राणी के लिए सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से आपका किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होता है वो परमाणु होता है। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। हमारे एक अंकल थे जिनका नाम था डाल्टन, तो डाल्टन परमाणु सिद्धांत 1803 के अनुसार परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु कई प्रकार के सूक्ष्मतम कणों से बना हुआ होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा आपका प्रोटॉन इसमें प्रमुख होते हैं। इन कणों को मौलिक कण या कहें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहा जाता है। जब मैं आपको 30 घंटे वाली क्लास दूंगा तो इसको मैं बहुत विस्तार से खोल दूंगा, इतना खोल दूंगा कि सारा का सारा जो है आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो, लेकिन हमें अभी बेसिक बेसिक जानना है, जिससे हमारा किसी भी एग्जाम में हम जब बैठते हैं तो बेसिक से ही हमारा काम चल जाए, हम 30 घंटे की क्लास लेने की स्थिति में ना हो तब हम क्या करें। तो उसके लिए मैंने ये निकाला है, एक फंडामेंटल यूनिट निकाली है जो कि आपका बेड़ा पार कर सकती है। ठीक, फिर से एक बार फिर से बता दूं, परमाणु द्रव्य की संरचनात्मक इकाई होती है, या किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जिसमें उस तत्व के सभी रासायनिक गुण मौजूद होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। प्रत्येक तत्व कुछ विशिष्ट प्रकार की क्या रखता है, प्रत्येक विशिष्ट प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। इसलिए ब्रह्मांड में जितने भी तत्व आप देख सकते हैं या फिर जितने भी तत्व हैं, उतने ही प्रकार के परमाणु भी मौजूद हैं। फिर से बता दूं, इस ब्रह्मांड में जितने तरह के आपको तत्व देखने को मिलेंगे, उतने ही प्रकार के क्या होंगे, परमाणु होंगे। यानी कि मान लीजिए कोई तत्व है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण होगा वो परमाणु होगा। परमाणु को मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणुओं से अणु के निर्माण की अगर बात की जाए तो बहुत सारे अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, वो परमाणु मिलकर क्या बना देते हैं, एक अणु बना लेते हैं, जिसको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। चलिए थोड़ा परमाणु संरचना देख लेते हैं। परमाणु
तत्व का वह सूक्ष्म कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा वे रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु के तीन मूल कण होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो है आपका माइनस लगा होता है यानी कि ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन पे आपके धनावेशित होता है यानी कि प्लस का सिंबल लगा होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न तो प्लस होता है उस पर और ना ही क्या होता है माइनस, यानी कि इसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं, आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रकृति की अगर बात की जाए तो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन की बात की जाए तो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो आपका आवेशहीन होता है यानी कि कोई भी इस पे आवेश नहीं होता है। खोजकर्ता की बात की जाए तो जे थॉमसन इसके खोजकर्ता थे, किसके, आपके इलेक्ट्रॉन के। कौन, जे थॉमसन आपके कौन थे, जे थॉमसन कौन थे आपके, आपके इसके खोजकर्ता थे। वहीं धना प्रोटॉन की अगर बात की जाए तो ई रदरफोर्ड इसके थे आपके, ई रदरफोर्ड कहाँ गए, ई रदरफोर्ड ये आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड या गदरफोर्ड जो भी आप समझें। आवेशहीन चैडविक जो है आपका न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं चैडविक, ठीक है, जेम्स चैडविक, ई रदरफोर्ड और ये हैं आपके जे थॉमसन। ठीक, चलिए परमाणु क्या है, एटम जिसको कहते हैं, परमाणु किसी कण की ऐसी अवस्था है जिसके और अधिक भाग नहीं किए जा सकते उसको हम परमाणु कहते हैं। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा, प्रोटॉन पे आपका प्लस का है यानी कि मतलब क्या बोलते हैं धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित है, और यहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा वो होता है आपका न्यूट्रॉन जिस पर ना तो प्लस लगा होता है ना ही माइनस, यानी कि ये न्यूट्रल होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट आपका न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटॉन आपका रेड, न्यूट्रॉन आपका ब्लू, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा, और आपका जो है पथ ऑफ यानी कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, डाल्टन अंकल एटॉमिक थ्योरी, द थ्योरी वॉज द प्रपोज्ड अराउंड द 1808 बाय द जॉन डाल्टन एंड वॉज अ मेजर स्टेप टवर्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटम्स। डाल्टन्स मेन आइडियाज वर ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी इनविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड द एटम्स, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवेन एलिमेंट्स आर द आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर, एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इट्स सिंपल होल नंबर रेशियो टू फ्रॉम फॉर्म कंपाउंड्स, एटम रिटेन देयर द आइडेंटिटी ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। डाल्टन्स आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल एटम वॉज द डिस्ट्रॉयड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन द लेट 19th century। यानी कि जॉन डाल्टन अंकल ने कहा था कि जो परमाणु होता है वो किसी भी तत्व का मूल इकाई होती है, उससे छोटा यानी कि उसका भाग नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में जो है डाल्टन की कुछ जो चीज़ें थी वो इंडिविजुअल एटम्स वाली थ्योरी जो थी कहीं तक क्या है ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर एक नई डिस्कवरी यानी नई खोज आती है जिसमें एक आ जाता है कि जो परमाणु होता है उसके भी तीन पार्ट किए जा सकते हैं, तीन भागों में बटा होता है, तीन उसके कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, फिर कभी कभी इलेक्ट्रॉन को भी और भसड़ फैला के अगर खोल दें तो उसमें निकाला था क्वार्क करके होता है जिसको हम कभी डिटेल में हम समझेंगे, अभी इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो आप उलझ जाएंगे और जब उलझ जाते हैं तो वहाँ पर सुलझाना थोड़ा समय लगता है। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जॉन डाल्टन अंकल के बारे में, डाल्टन जो भी आप कहना चाहें, यहाँ पर जो है इनकी एक सुंदर सी पिक्चर लगाई है मैंने, उसको आप देख सकते हैं, इंग्लिश केमिस्ट एंड द इंग्लिश मतलब अंग्रेज थे ये पक्के वाले, द पेपर विल नॉट डाउट वी द फाउंड इन इंटरेक्शन बाय दोज हु टेक एन इंटरेस्ट इन इट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी प्यारी प्यारी दो अखियाँ के नीचे जो है कुछ कविताएं लिखी हुई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, जॉन डाल्टन वाज द वॉर इन टू क्वेकर फैमिली इज कम्बरलैंड, ठीक है, इंग्लैंड में पढ़ता था इसलिए मैंने कहा ये अंग्रेज की वो हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं डाल्टन सी उनका प्यारा सा जो है नोट था, हम जब उनके घर पहुँचे तो वहाँ पर इनको देखने को मिल गया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको आनंद आएगा पढ़कर प्यारी सी, ठीक है, PDF लेंगे तो वहाँ पर आपको फुल साइज का ये मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अणु देख लेते हैं, ठीक है, अणु पदार्थ का अति सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अणु कहलाता है, परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, अणु आपको स्वतंत्र अवस्था में देखने को मिल जाएगा। तो अणु भैया क्या होता है, तो अणु जो होता है किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस तत्व अथवा
यौगिक के सभी रासायनिक गुणों को वह प्रदर्शित करता हो, साथ ही यह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो। एक अणु में एक ही तत्व अथवा एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं या कहें रासायनिक बंधों या केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा परस्पर संबद्ध ये रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। अणु की अगर बात की जाए तो अणु जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला आ जाता है सम अणु या कहें तत्व सम अणु या कहें तत्व के अणु, दूसरा जो होता है विषम अणु या कहें यौगिक के अणु। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको फिर से डिटेल में देख लेते हैं। अणु पदार्थ का अति सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है अणु कहलाता है। यौगिकों के अणुओं में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान होते हैं। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल्स, इसको हम अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं। तो अ मॉलिक्यूल्स इज एंड द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ द एटम ज्वाइंट टूगेदर बाई द केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, मीथेन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के दो यहाँ पर अणु देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपके जुड़े हुए हैं, ठीक। ये मीथेन, मीथेन जब पूरा बनता है तो इस तरह से ये CHHHH इससे जुड़े हुए हैं। कैफीन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, कैफीन डीएनए के जो है अणु देखने को मिल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स मे बी द कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स ऑफ मेनी एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और इसको जूम कर लेते हैं और देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स इज ग्रुप ऑफ द एटम्स दैट हैव ज्वाइंट टूगेदर इन टू वन पीस। मॉलिक्यूल्स हैव टू और मोर एटम्स इन दैम एंड सम मॉलिक्यूल्स हैव द थाउजेंड्स ऑफ मोर एटम्स इन दैम। हियर आर द सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर वाटर वाटर या कहें जल का जो अणु होता है वो तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक और दो, यानी कि दो तो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ये हाइड्रोजन के अणु हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना जल की अगर संरचना देखी जाए सबसे सूक्ष्म जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, मतलब एक यहाँ पर ये है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इस तरह से। वहीं नाइट्रोजन की बात की जाए तो अणु जो है इस तरह से जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो एक अणु ऑक्सीजन का ये, एक अणु ऑक्सीजन का ये और बीच में जो है कार्बन का ये जुड़ा हुआ है एटम्स, ठीक है। तो ये है ऑक्सीजन का ये एटम मतलब परमाणु है। और मॉलिक्यूल्स कैसे बना, मतलब परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है एक ये क्या हो गया आपका एटम किसका, ऑक्सीजन का, और दो अणु जो है आपके दो एटम्स जो है ये मिलकर क्या बना आपका एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, तो दोनों मिलकर क्या बन गए आपका एक अणु बन गया, ठीक है। चलिए एटम्स, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूल डेफिनेशन की बात किया, मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ द टू और मोर केमिकली बॉन्ड्स एटम्स, ठीक है। द टू और मोर एटम्स जॉइन टूगेदर कैन बी द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एनिमल्स एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स 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 ऑफ वाटर एच टू ओ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एच टू, ठीक है। चल तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह हाइड्रोजन का एक अणु है, या हम कह सकते हैं दो अणु हैं ये, ठीक है, दो परमाणु हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी दो परमाणु हैं, ये मिलकर क्या बनते हैं जल का निर्माण करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम्स, अलग अलग अंकल हैं, अलग अलग उनकी थ्योरीज हैं, उनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे यहाँ पर कुछ बताना नहीं है। आप जॉन डाल्टन अंकल के बारे में दिया गया है 1803 में, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवेन एलिमेंट्स आर द आइडेंटिकल इन साइज मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन साइज मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। एटम्स कैन नॉट बी द सब डिवाइडेड क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यानी कि एटम्स जो होता है यानी परमाणु जो होते हैं ना तो बांटा जा सकता है और ना ही कोई नया बनाया जा सकता है और ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स कैन बी कम्बाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड सेपरेटेड और द री अरेंज, ठीक है। तो ये आपका अंकल जॉन डाल्टन की थ्योरी थी। दूसरे अंकल निकल कर आते हैं जे जे थॉम्सन। तो प्लम पुडिंग मॉडल 1904 में दिया गया था, पूछा जाता है, इतना काफी हो जाता है आपका कि जे जे थॉम्सन के द्वारा प्लम पुलिंग पुडिंग, प्लम मतलब होता है आपका पीर और पुडिंग मतलब हलवा, तो इस तरह का हलवा पूड़ी और इस तरह से। तो प्लम पुडिंग मॉडल 1904
फोर में दिया था, द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम बाय द जी जे थॉम्सन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन द 1897 वॉज द प्रपोज्ड इन 1904 बिफोर द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस. इन दिस मॉडल एन एटम इज द कंपोज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच थॉम्सन कॉल्ड द कार्पसल्स. इसको कहा था इलेक्ट्रॉन खोज की थी, क्या कहा इन्होंने, कार्पसल्स कहा. सराउंडेड बाय द शोप ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू द वैलेंस द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज लाइक द नेगेटिवली चार्ज प्लम सराउंडेड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अंकल एक और जो है रदरफोर्ड मॉडल 1940 में दिया गया था. रदरफोर्ड अंकल मॉडल पिक्चर्ड एटम एज द मिनिएचर सोलर सिस्टम विद द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग लाइक प्लैनेट्स अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, गोल्ड फॉल यानी कि जो सोने की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड फॉल सोने की जो है एक पतली सी जो है मतलब चादर थी, और ये अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से इन्होंने टकराई. ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल है, 1911 में दिया था, और ये प्रूफ से यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं. द बोर मॉडल 1914 द क्वांटिटीज द ऑर्बिट टू एक्सप्लेन दिस द स्टेबिलिटी ऑफ एटम हिज द कंक्लूजन्स सेवरल ग्रुप ऑफ द इलेक्ट्रॉन मे द अकर इन एटम एंड द ईच ग्रुप इज द कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सेल. ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन गिवेन सेल हैव द अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी से दिस एनर्जी इंक्रीज इन सक्सेसिव सेल. ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सेल नंबर्स इन वो सेल नंबर्ड एन इज एन टू एन स्क्वायर इन द आउट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इन एट. देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो है अंग्रेजों के लिए ही है, मैंने इसमें कुछ समझाना नहीं है और ना ही मैं पीछे आपको डिटेल में समझा चुका हूँ, बस एक रिवीजन के तौर पे मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ ताकि किसी भाई या बहन को परेशानी ना हो. आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, आपको कोई कष्ट या फिर परेशानी मैं होने नहीं दूंगा. मैं ये चाहता हूँ कि जो हिंदी भाषी हैं वो तो आनंद लें ही, कुछ अंग्रेज मतलब अंग्रेज नहीं कहेंगे उन्हें, कुछ लोग जो हैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े हुए हैं, उनकी चीज़ें नहीं सेट हो पाती हैं तो वो इस तरह की चीज़ें खोजते हैं. तो मैं यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डाल दी हैं एक्स्ट्रा, पहले मैं नहीं डालता था, मैं पूर्ण रूप से जो है हिंदी भाषी लोगों को ही फोकस करता था. चलिए ये और एक और अंकल जबरदस्ती घुस रहे हैं, इनका मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है. ठीक है, ये चलिए कैथोड किरणों के बारे में बात करें. ये किरणें धीमी रेखा में चलती हैं तथा ये अपने पथ के मध्य रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं. ये किरणें निरावेशित होती हैं तथा यौगिक पर प्रभाव डालती हैं. एनोड किरणों की बात करें तो ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं तथा यौगिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं. ये किरणें कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं. ठीक है, तो एनोड और कैथोड किरणों में कौन सी किरणें, एनोड किरणें कौन सी होती हैं, धनावेशित होती हैं, और कैथोड किरणें जो होती हैं ऋणावेशित होती हैं. यहाँ पर एनोड और कैथोड आपको देखने को मिल जाएगी, एनोड और कैथोड, एनोड जो है प्लस है और कैथोड पर आपका क्या है ऋणावेशित आपका लगा हुआ है. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं. एक बार फिर से बता दूं, कैथोड किरणें कौन सी होती है, तो वे किरणें जो सीधी रेखा में चलती हैं तथा वे अपने पथ के या जो रास्ता होता है उसके मध्य रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती हैं. ये किरणें ऋणावेशित होती हैं तथा यौगिक पर प्रभाव डालती हैं. नेक्स्ट देखते हैं, नाभिक बात कर लेते हैं. नाभिक इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक होता है अणु, जो इलेक्ट्रॉन का जो मैंने बताया था न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, वो मतलब एटम का नाभिक होता है. इसकी खोज सबसे पहले रदरफोर्ड ने की थी. परमाणु के मध्य में एक अति सूक्ष्म पिंड होता है जिसे नाभिक कहते हैं. नाभिक में परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान मौजूद रहता है. केवल हाइड्रोजन एक ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी के जितने भी जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. तो मैंने क्या बताया, केवल हाइड्रोजन एक ऐसा स्थायी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है. इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा बंधे हुए होते हैं. इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की समान संख्या वाला परमाणु उदासीन होता है. यदि
यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों से कम है यानी कि यह इलेक्ट्रॉन न्यून हो तो परमाणु पर धनावेशित होगा तथा इसे धन आयन कहते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अधिक हो तो परमाणु पर ऋणावेश होगा यानी कि परमाणु ऋण आयन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया कि परमाणु पर धनावेश कब होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से कम हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे, प्रोटॉनों की, तो प्रोटॉन मान लीजिए क्या है, प्रोटॉनों से कम है, प्रोटॉन मान लीजिए 8 हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं, तो माइनस जो हो जाएगा, माइनस जब निकल कर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा, ऋणावेशित, यानी कि माइनस का बल लगेगा। वहीं परमाणु पर धना वो सॉरी प्लस लगेगा, प्रोटॉन अगर ज़्यादा हैं तो प्लस लगेगा, वहीं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 8 हैं और प्रोटॉन जो है मान लीजिए कितने हैं, 7 हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है माइनस लगेगा, माइनस का बन आ जाएगा, तो ऋणावेशित हो जाएगा। लुईस डी ब्रॉग्ली के अनुसार सभी कण तरंग के समान व्यवहार करते हैं, कौन, आपके लुई डी ब्रॉग्ली के अनुसार लुईस हैं, सभी कण जो है तरंग की भांति, क्योंकि वो इस तरह से जो है चलते रहते हैं, इस तरह से तरंग की भांति कार्य करते हैं। चलिए चलिए परमाणु क्रमांक के बारे में बात करते हैं। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, फिर से बता दूं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है, तो यहाँ पर जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। प्रतीक क्या है, हाइड्रोजन का H से प्रदर्शित करते हैं। हीलियम की अगर बात करें तो परमाणु क्रमांक हीलियम का कितना है, 2 है, तो यहाँ पर जो है प्रोटॉन कितने हैं, आपके जो है प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, आपकी 2। किससे प्रदर्शित किया जाता है, HE से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद लिथियम की अगर बात की जाए तो 3 इसका परमाणु क्रमांक है, Li से इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो इसमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आपकी 3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान संख्या की, किसी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर से बता दूं, किसी भी तत्व के परमाणु में नाभिक में उपस्थित या मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान कहलाता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु का भार होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ ली जाती है, या परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ ली जाती है, या कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ ली जाती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर, मैंने क्या बताया था, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या या कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। द्रव्यमान संख्या की अगर बात की जाए तो मान लीजिए H जो है, H में परमाणु कितने, 1 है, ठीक है, 1 अगर है तो इसको हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें जो है न्यूट्रॉन, इसमें जो है एक ही, इसमें जो है अणु होता है, इसमें एक ही अणु होता है, वो एक परमाणु और एक अणु अकेले ही अकेले हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर कौन सा, मैंने बताया ये 8 जो है आपका ऑक्सीजन का ही मान लीजिए एटॉमिक नंबर है, यानी कि परमाणु क्रमांक है, ओ से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नाम जो है इसका ऑक्सीजन है, एटॉमिक मास कितना हो रहा है इसका, 15.99। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा तत्व संकेत परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो सिंबल इसका क्या है, ओ है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो है इसका 8 है। द्रव्यमान की बात की जाए तो 15.999 है। ठीक है, संकेत की बात की जाए तो ओ से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर हुआ आपको, समझ में आ गया होगा कि तत्व एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन है, संकेत इसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है, एटॉमिक नंबर जो है मैंने आपको बताया 8 है, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, परमाणु संख्या या फिर इसको परमाणु संख्या, हाँ परमाणु संख्या कहते हैं,
एटॉमिक परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक एक ही बात होती है, एटॉमिक वेट या परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान इसको कहते हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पर कितनी हो गई, एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान है, एटॉमिक वेट इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में। चलिए साथियों समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक, ठीक है, स्थानिक एक ही तत्व के परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग हो समस्थानिक कहते हैं। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं एक घर है, इस तरह से ये घर है, मान लीजिए इनका नंबर कितना है, 8 है इस घर का, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, एक घर में 3 लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1, ठीक है, हाइड्रोजन नंबर 2 और हाइड्रोजन नंबर 3। अब इनकी भार की अगर बात की जाए तो भार कितना है, इसका 1 किलो है, इसका 2 किलो है, इसका 3 किलो है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, वहीं भार इसका क्या है, असमान है। तो इस तरह के तत्व जो हैं क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर से बता दूं, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, ठीक है, वहीं भार उनका क्या हो, अलग अलग हो। मान लीजिए मेरे नाम के 3 लोग हैं तो उनका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, समान हो गया, लेकिन गुण अगर देखा जाए, मेरा भार देखा जाए, उनकी शक्ल सूरत देखी जाए तो वो अलग हैं। तो इस तरह के तत्व जो है परमाणु वो समस्थानिक कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक ही तत्व के परमाणुओं को जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसको समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन का H1, 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3। अब भैया एक चीज़ देखें, यहाँ पर परमाणु क्रमांक तो समान है, यानी कि H का ये आपका हाइड्रोजन का 1, मास नंबर इसका कितना है, मास मतलब आपका द्रव्यमान मान लीजिए 1 है, हाइड्रोजन नंबर 2, मास इसका कितना है, हाइड्रोजन होता है, ड्यूटीरियम होता है और ट्रिटियम होता है, ठीक है, ट्रिटियम होता है, ट्राइट्रियम जो भी आप बोलें, टियम, ट्राइटियम है, ट्री टीएम इसको हम कह सकते हैं, तो ड्यूटेरियम, ठीक है, और ट्री टीएम इसको हम कहते हैं। तो एच वन एच जिसका यहाँ पर जो है क्या है आपका क्या बोलते हैं इसको, मतलब परमाणु क्रमांक है और यह परमाणु भार है हाइड्रोजन का, ठीक। वहीं आपका हाइड्रोजन दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए, मतलब पहले स्थान पे दूसरा देखा जाए तो इसका जो भार है वो 2 है, ठीक है, मास नंबर इसका 2 है, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना है, 1 ही है, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ना, तो मैंने बताया H1H1, 1H2 और 1H3। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन के समस्थानिक। ऑक्सीजन की समस्थानिक की अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन समस्थानिक, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, ठीक, द्रव्यमान 16 इसका हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक है। तो आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन भी देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक जो है कार्बन डाई का कितना है, 6 है, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो इसका जो है 12, 13 और ये 14। क्लियर हुआ। चलिए अब इसको जूम करके भी दिखा देते हैं। ये तो आपका हो गया हाइड्रोजन का, ये समस्थानिक की परिभाषा लिखी है। समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो इस तरह के समस्थानिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, रासायनिक गुण भी समान होते हैं, भौतिक गुण भी, भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके अलग अलग होते हैं। समभारिक की अगर बात करें तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास समान नहीं होते इस तरह के, इनमें रासायनिक गुण असमान होते हैं और भौतिक गुण भी समान होते हैं। तो इसमें अगर दोनों में देखा जाए, समस्थानिक में देखा जाए, समस्थानिक में पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक तो चलो मान लीजिए समान होते हैं, ठीक है, क्या द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो नहीं होती है। अब इसमें आते हैं संभारक में, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, नहीं होते हैं भैया। इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है, भैया होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास समान नहीं होता, तो भैया सही बात है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास असमान होता है, ठीक है। रासायनिक गुण समान होते हैं, तो भैया हाँ सही बात है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं, तो भैया सही बात है। यहाँ भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो भैया सही है, तो इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो समस्थानिक होते हैं वहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु जो द्रव्यमान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है और रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण अलग अलग होते हैं।
यहाँ पर संभारक में मैंने क्या बताया कि परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, बस द्रव्यमान जो है समान होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास समान नहीं होता है, रासायनिक गुण असमान होते हैं और भौतिक गुण समान होते हैं। चलिए यहाँ पर कार्बन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक उसके कार्बन के, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोटीरियम और ट्रिटियम, ठीक है, और बहुत सारे समस्थानिकों में हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा समस्थानिक है जिसके तीनों के नाम अलग अलग हैं, समझ पा रहे ना। चल समस्थानिक यहीं आपको मैंने दिखा देता हूँ, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक सबसे भारी स्थाई समस्थानिक लेड है, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है, सबसे भारी स्थाई समस्थानिक कौन है आपका, लेड 208 है जिसका द्रव्यमान 207.974 है। समभारिक और समस्थानिक आपको दिखा दिए मैंने। चलिए समभारी देखते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं होते यानी कि अलग अलग होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है एक परमाणु क्रमांक है, दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है और तीसरे भी परमाणु क्रमांक जो है एक है। अब इसका तीनों समस्थानिक तो थे, इसका भार की बात की जाए तो इसका एक था, इसका दो था यानी कि ड्यूटेरियम, इसका तीन था ट्रिटियम, तो इसका जो है एक भार वाला क्या है, एक भार वाला जो है आपका क्या कहला है, हाइड्रोजन, जिसका दो संभार है मतलब दो जो है परमाणु जो द्रव्यमान है वो कितना है, वो कितना है दो है, तो ये क्या कहलाया, ड्यूटेरियम कहलाया, और तीन जिसका है तो ट्रिटियम कहलाया। तो क्लियर हुआ। अब वहीं बात आ जाती है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है कि आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मैंने बताया था कि 1H3 और 2H3 और आर्गन 18 Ar 14 40 और 19 K। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने बताया कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, जो ट्रिटियम था तीन, और हीलियम का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर तीन, तो ये क्या हो गए, समभारिक हो गए। द्रव्यमान की अगर बात की जाए तो ये तो दोनों समान है भाई, उनका परमाणु क्रमांक की अगर बात देखी जाए तो परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक है और हीलियम का कितना है, हीलियम का दो है यानी कि एक और ये दो। वहीं आर्गन की अगर बात की जाए तो Ar 40, द्रव्यमान कितना है 40, वहीं ये आपका के, ठीक है, इस तरह से कितना है आपका 40, ठीक है 40 है। इसके बाद जिसको हम के मतलब जो होता है क्या बोलते हैं इसको, के मतलब पोटेशियम होता है, तो के पोटेशियम इसका 18 जो है इसका परमाणु क्रमांक है, इसका जो है वो इसका 19 है और इसका 18 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आई कि Ar 40 और पोटेशियम यानी K 40, तो इसका भार क्या है, समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है वो अलग अलग है। वहीं हीलियम का हाइड्रोजन मतलब ट्रिटियम जो था इसका परमाणु जो द्रव्यमान था वो कितना था, तीन, और इसका भी तीन। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। चलिए तो देख सकते हैं आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 40 और आपका कैल्शियम 20 40, यानी कि 18 19 और 20 का तीनों का जो भार है वो क्या है, समान है। तो ये समस्थानिक हो गए। क्लियर हुआ, समस्थानिक हो गए, ठीक। अब समभारिक हो गए, यानी भार इनका तीनों का समान है, 40 40 और 40। इसका द्रव्यमान क्रमांक की बात की जाए 18 19 30, तो ये क्या है, आइसोबार है। आइसोटोप कौन से थे, H1 वो इधर आएगा, H2 वो H1 और H1, इसमें 2 लग रहा था, 1 लग रहा था, 2 लग रहा था, 3 लग रहा था। एग्जांपल ऑफ आइसोबार यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, सेरियम, ठीक है, सेलेनियम, आयरन और निकेल, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वांटम सिद्धांत देख लेते हैं। क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है, कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो दी थी इन्होंने, इनका क्या कहना था देखते हैं। तो किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश जो है हमेशा
ऊर्जा के रूप में नहीं निकलता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या कहें क्वांटम के रूप में निकलता है। ऊर्जा के इन बंडलों को फोटोन कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ई इक्वल टू एच बी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो प्लैंक अंकल कहते हैं, अ बॉडी कैन एमिट और द ऑब्जर्व एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ क्वांटम या कहें फोटोन या फोटोन, ठीक है, ई इक्वल टू एन एच वी, ठीक है, समझ रहा ना। चलिए, तो यहाँ पर जो है इनका अंकल का ये कहना है कि जो प्रकाश आता है वो ऊर्जा के रूप में नहीं आता है, बल्कि जो बंडल होते हैं एक पैकेट की तरह आते हैं बंडल, जिनको ये क्या कह देते हैं, फोटोन या कहें आपका क्वांटम इनको कहते हैं। तो प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस जो है इसको प्रूव इन्होंने थोड़ा बहुत कर पाया है। हॉट ऑब्जेक्ट एमिट लाइट रेड येलो वाइट, ब्लैक बॉडी ऑब्जर्व ऑल रेडिएशंस फेलिंग ऑन इट सो दैट एनी लाइट ऑब्जर्व इन बीइंग एमिटेड, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, चलिए इतना काफ़ी है। चलिए तो साथियों समझते हैं रासायनिक बंध के बारे में, ठीक है। तो रासायनिक बंध को समझने से पहले हल्की सी मैं आपको जानकारी दे दूँ थोड़ी सी संयोजकता के बारे में या वैलेंसी के बारे में, थोड़ा सा मैं बता दूँ तब आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। तो वैलेंसी क्या होता है कि जो परमाणु होता है उसकी अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने होते हैं आपके परमाणु। तो परमाणु क्या करता है कि जो तत्व की संयोजकता क्या होती है उसको थोड़ा समझते हैं, यानी कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो तत्व की संयोजकता की बात की जाए तो किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन संयोजन करने की क्षमता या कंबाइनिंग पावर आपकी उस तत्व की क्या कहलाती है, आपकी संयोजकता कहलाती है, यानी कि बैलेंसी कहलाती है। जैसे कोई तत्व है तो वो तत्व क्या करता है, तत्व दूसरे तत्व के साथ क्या करना चाहता है, संयोजकता करना चाहता है, ताकि वो क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। मान लीजिए कोई तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व है, उसके इलेक्ट्रॉन जो है उसके, मान लीजिए ये इसको नहीं, पहले मैं पूरा कर देता हूँ तब। तो मैंने क्या बताया कि इस तत्व की संयोजकता क्या होती है, तत्व की संयोजकता मैंने आपको बताई, क्या बताई कि किसी भी कोई भी तत्व होता है, कोई भी तत्व जो होता है अन्य तत्व के साथ संयोजन करने की क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। बोरबरी एक अंकल थे, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। तो बोरबरी के अनुसार किसी भी परमाणु के अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसे उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। मैंने फिर से बता दूं, जो अंकल दे बोरवरी उन्होंने ये कहा कि किसी भी परमाणु के अंतिम जो कोष होता है उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसको अष्टक कहते हैं। इसलिए अष्टक हर जो परमाणु का जो हर परमाणु जो होता है अपने अष्टक को क्या करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है, यानी कि पूरा करना चाहता है। मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए मैंने बताया कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या करता है कि कोई भी परमाणु जो है, कोई भी तत्व जो है अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या अपना अष्टक पूरा करने की होड़ में लगा रहता है। अगर मान लीजिए किसी में 4 हैं या फिर 5 हैं या फिर 3 हैं, तो वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, इस 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे उस परमाणु का अष्टक कहते हैं। अष्टक पूर्ण होने पर रासायनिक रूप से वो क्या हो जाता है, केमिकल स्टेबल, या कहें रासायनिक रूप से वह स्थायी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक परमाणु क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, यानी कि वो अपना अष्टक पूरा करने की होड़ में लगा रहता है। तो कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी मान लीजिए एक्स वाई जेड, चाहे फिर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या फिर मान लीजिए कैल्शियम हो गया, तो ये क्या करते हैं, अपना जो अष्टक है उसको पूरा करने की होड़ में लगे रहते हैं। यहाँ मान लीजिए आप ऐसे मान लीजिए कि इसमें 8, ये मान लीजिए कोई भी है, जैसे कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये आपका जो है आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का जो लास्ट जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो ये क्या करेगा अपना अष्टक पूरा करने के चक्कर में घूमेगा। वहीं आपका जो मान लीजिए ये आपका क्या हो जाता है, हाँ ये आपका जो है मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अंतिम जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपने अंतिम कक्षा को पूरा करने की कोशिश करेगा, अष्टक बनाने की कोशिश करेगा।
ठीक है, समझ पा रहे ना। अब मान लीजिए आपका एक और ले लीजिए कोई सा, कार्बन ले लीजिए, कार्बन मतलब सी। तो सी की जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, चार इलेक्ट्रॉन हैं अंतिम कक्षा में। तो ये अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करने की होड़ में लगा रहेगा। तो मैंने क्या बताया, किसी भी तत्व के परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए कुछ लिए गए और कुछ दिए गए, यानी कि ग्रहण किए गए और त्याग किए गए, या कहें साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। और इस और अष्टक पूरा करने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मैंने क्या बताया कि अष्टक पूरा सभी को करना है, सभी को अपने आप को स्टेबल बनाना है, क्योंकि इस दुनिया में कौन है, यहाँ आप अंदाजा लगा लीजिए परमाणु भी है, हर व्यक्ति है। मान लीजिए मैं हूँ, एक व्यक्ति हूँ, तो मैं अंतिम कक्षा है कि मान लीजिए कि जितनी भी मेरी ख्वाहिशें वो पूरी हो जाए, तो उसके लिए कुछ लेना पड़े और कुछ देना पड़े, तो उसके लिए क्या होता है, हमें भी अपना अष्टक पूरा करना पड़ता है। वैसे तत्व जो है अपने आप को क्या करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, और अष्टक पूरा करने के बाद वो केमिकली स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि रासायनिक रूप से वो क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, और वो अब फिर किसी और से क्रिया करने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो एक तरह से संतृप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक वो संयोजकता क्या होती है, कि अपना अष्टक पूरा करना है, इस अष्टक को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं, कुछ ले लेते हैं, कुछ जो है साझा कर लेते हैं। साझा का मतलब होता है तू मेरी ले मैं तेरी लूँ, सेवा की बात कर रहा हूँ, तू मेरी सेवा ले ले मैं तेरी सेवा ले लूँ, इसको साझा करना बोलते हैं। देना मतलब मैंने दिया, लेना मतलब मैंने लिया, वहीं साझा करने का मतलब थोड़ा सा मैं दूंगा थोड़ा सा आप देना, तो इसको साझा करना बोलते हैं। क्लियर हो रहा है ना। तो मैंने क्या बताया, किसी तत्व के, यदि किसी तत्व के, यहाँ पर मान लीजिए कोई तत्व है, किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक या दो या तीन या फिर चार है, तो इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, उस तत्व की संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो एक हो सकती है, या फिर दो हो सकती है, या फिर चार होती है। लेकिन 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 परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी भैया, पाँच छः सात आठ भी हो सकती है। क्लियर हुआ ना। तो चलिए फिर समझते हैं, बिना किसी देरी के आइए समझते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। रासायनिक बंध की बात करें तो प्रकृति में जितने भी परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी तत्व हैं, उनका अपना अपना एक परमाणु होता है, मतलब सबसे जो न्यूनतम जो उनका जो है संरचना में, जो सबसे न्यूनतम जो हो जाएगा, मूल कण जो हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। तो प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, बल्कि ये क्या करते हैं, वे अपने समान या कहें अपने से थोड़ा सा अलग परमाणुओं के साथ तो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन जो है किसी न किसी के साथ पाई जाती है। मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हवा लेते हैं, मान लीजिए हवा लेते हैं हम सांस लेने के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, थोड़ी सी नाइट्रोजन भी होती है, थोड़ी सी ये भी होती है, थोड़ी सी वो भी, इस तरह से क्या है कि संयुक्त रूप से नहीं पाया जाता है। प्रकृति में बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, पानी जो है संयुक्त रूप से है ना, पानी का हाइड्रोजन जैसे मान लीजिए और ऑक्सीजन मान लीजिए, तो उसके संयुक्त रूप से उसके परमाणु नहीं पाए जाएंगे। कि पहले हमें क्या करना है कि पानी बनाने के लिए हम जाएंगे, प्यास लगी यार थोड़ा सा हाइड्रोजन ले आना, थोड़ा सा ऑक्सीजन ले आना, हाल देखो गड़बड़ करके मिलाया और एकदम पानी में, ऐसा नहीं, संयुक्त रूप से ही पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं भिन्न परमाणुओं के साथ संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। आयनों, अणुओं और रबों तथा यौगिकों के निर्माण के लिए परमाणु के परस्पर संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, रासायनिक बंधन कहलाती है, या इसको हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, आयनों, अणुओं तथा यौगिकों के निर्माण के लिए परमाणुओं के आपस में, या कहें प्रेम कराने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रेम कराने के लिए जो प्रेम कराने के लिए संयोजन की प्रक्रिया होती है, उस संयोजन की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। संयोजन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लीजिए मैंने बताया था कि हर किसी को अपना अष्टक पूरा करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि आवश्यकता पड़ती है, उस अष्टक को पूरा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन या तो वो दे देता है। मान लीजिए अंतिम अष्टक है उसका, मान लीजिए किसी में जो है अंतिम अष्टक है, एक अष्ट एक अंतिम वाले में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, भैया तुम ले लो और हमारा जो है लास्ट वाला जो अष्टक होगा वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ है, यानी कि वो अपना अष्टक जो है पूरा करने की होड़ में लगा रहेगा। तो इस अष्टक को पूरा करने के लिए वो भैया कुछ दे देता है, कुछ ले लेता है,
जब लेन देन होता है तो इसकी इस लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध या फिर केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर हुआ? तो किसी किसी अणु या कहें अणु समूह या कहें यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच में होने वाली प्रक्रिया तथा होने वाली प्रक्रिया उसके साथ ही आकर्षण बल जो उसे आपस में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं एवं एक विशिष्ट आकृति बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं विशिष्ट जो है आकृति बना लेते हैं जिसको हम रासायनिक बंध या कहें केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। रासायनिक बंधनों की अगर बात की जाए, बंध की अगर बात की जाए, तो रासायनिक बंध एवं उसकी प्रक्रिया बंधन प्रक्रिया शक्ति के आधार पर कई भागों में बांट दी जाती है, जिसमें आपका आ जाता है विद्युत संयोजी अथवा आयनिक बंध, जिसको हम अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग या बॉन्ड, आपका संयोजी बंध जिसको कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, उपसंयोजी बंध जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। इस तरह से ये कई सारी बॉन्डिंग आपकी आ जाती हैं। तो चलिए फिर यहाँ लिखा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। आयन देख लेते हैं। आयन एक विद्युत आवेशित परमाणु है। धन आवेश युक्त आयन को धनायन, जबकि ऋण आवेशित युक्त आयन को हम क्या कहते हैं भैया, ऋणायन कहते हैं। धनायन में एक सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऋणायन में सामान्य परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया कैसे होते हैं, देखो धनायन में क्या होता है, मैंने बताया धनायन में एक सामान्य परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऋणायन में सामान्य परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि ऋणायन जो होता है, ऋणायन का मतलब जो ऋणायन जिस पे माइनस लगा होता है उस पे क्या होता है, उसने कहीं ना कहीं से कर्ज लिया होता है, तो जितना उसके पास नहीं था उससे अधिक मिलेगा। वहीं जो परमाणु जिस पे प्लस लगा हुआ है, यानी कि उस पर जितना था उससे थोड़ा कम हो गया, क्योंकि उसने क्या कर दिया, दे दिया, तो उसने अपने आप पे क्या कर लिया, प्लस का सिंबल लग गया, यानी कि प्लस का उस पे चार्ज लग गया। क्यों? क्योंकि भैया वो दे चुका है, वो अपने आप में जितने उस पे थे उससे उसके पास कम हो गया, क्यों, उसने दे दिया तो प्लस लगा दिया। वहीं ऋणायन किस पे लगा, कि भैया इसके पास थे तो नहीं, लेकिन इसने क्या कर दिया, कर्जा कर लिया, नहीं ऋण ले लिया, तो इस पे भैया ऋणायन लगा दिया। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, धातु इलेक्ट्रॉन को देकर धनायन बनाते हैं तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। फिर से बता दूं, धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करते हैं, धनायन बनाते हैं, तथा अधातु जो होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयन, चलिए थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज एन आयन। ठीक है, तो एन आयन आयन या आयन इज अ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैज अ नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्लस का चार्ज इस पे लगता है, तो उसका जितना उसमें परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक अपना जो है लास्ट, मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम एटम यानी सोडियम परमाणु, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2, 8 और 1, अंतिम कक्षा में इसका एक है। तो ये मैंने बताया था कि अष्टक अपना पूरा करना चाह रहा है, तो इसने क्या कर दिया, एक को क्या कर दिया, इसलिए किसी न किसी को दान कर देगा, यानी कि दे देगा। जब भी ये प्रक्रिया होगी या फिर घटनाक्रम होगी या फिर जब भी केमिकल बॉन्डिंग होगी या फिर जब भी रासायनिक बंधन इसका होगा, तो बंधन तो प्यार का बंधन जब ये बनाएगा तो बंधन के साथ क्या करेगा, ये रक्षाबंधन का भी त्यौहार मनाएगा। रक्षाबंधन के लिए यह करेगा, ये राखी बांधकर एक जो है आपका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी कक्षा में इसका चला जाएगा। तो इस पर क्या हुआ, नेट चार्ज किस क्या लगा, प्लस का बन लग गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना? सोडियम क्या है, एक आपका धातु है, सोडियम एक धातु है जिस पर क्या लगा हुआ है, नेट का चार्ज लगा हुआ है, वो भी प्लस का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने, क्योंकि इसने अंतिम कक्षा इसकी है, अंतिम कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो इसका जो है अष्टक पूरा हो गया। मैंने बताया था अष्टक पूरा करने की होड़ लगी रहती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें, 11। ठीक है, परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी हो रही है, 11, वो सॉरी प्रोटॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। बात को समझिए, नेट चार्ज कितना है, 0 हो रहा है। वहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, तो नेट चार्ज इस पर क्या लग गया, प्लस का लग गया। क्यों? क्योंकि इसने जब ये क्रिया कर की करता है किसी से, तो क्या किया इसने, अपना जो है तुरंत झट से एकदम बंधन जो था तुरंत दे दिया कि भैया ले जाओ, हमारा जो है अष्टक पूरा हो जाएगा, फिर हम जाके कहीं पर भी तबला बजा सकते हैं, यानी कि हरिद्वार जा सकते हैं और अपना क्या कर सकते हैं, गंगा नहा सकते हैं। तो हर जो परमाणु है वो अपना क्या करना चाहता है, गंगा नहाने के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो जिसने शक्तिमान देखा हो, वो कष्टक जो होता है उसकी आदि आत्मा जो होती है तलवार में होती है, इसी तरह से ये अपनी आदि आत्मा किसकी किसमें लगी रहती है, अष्टक पूरा करने में लगी रहती है। तो कष्टक की तरह जैसी कोई मिलता है वैसी तलवार से या तो काट देता है या फिर जोड़ देता है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा
व्हाट इज आयन? एन आयन इज चार्ज एटम और मॉलिक्यूल, चार्ज एटम और मॉलिक्यूल। इट इज द चार्ज व्हेन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल विथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज एटम? तो सिंगल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द केमिकल रिएक्शन। इसको एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। केमिकल रिएक्शन या कहें जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, उसको अलग नहीं किया जाता। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो एटम जॉइंट टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ओनली। नॉन मेटल्स कैन बी वॉन्ड टूगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट, समझ लेते हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे कि एल्युमिनियम यहाँ पर है, एल्युमिनियम की भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ। एल्युमिनियम जो है यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, ये जो क्या इस पर प्लस का 3 लगा हुआ है तो ये मेटल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और इस पर जो है जो सल्फर है इस पर -2 लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयन देख लेते हैं। ऐसे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान लेकिन नाभिक आवेश अलग अलग होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जैसे प्लस प्लस, वो प्लस मतलब बिना किसी चार्ज के प्लस और प्लस प्लस और 3+। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इस तरह से, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम, मतलब एस होता है सल्फर, इस पर माइनस का लगाया चार्ज, कैल्शियम माइनस का चार्ज लगाया। तो सल्फर आप अंदा लगा सकते हैं अधातु है, कैल्शियम अधातु है, आपका फॉस्फोरस जो है आपका धातु हो जाएगा, ठीक है, और कैल्शियम आपका जो है धातु हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो H प्लस आपका जो है वो सॉरी 18 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ नंबर वो सोडियम एनी सोडियम होता है, हैज 11 प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्लस 11। फेरस होता है, ठीक है, हैज 9 प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 9। तो Na यानी कि सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्लस 11। F हैज 9 प्रोटॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ प्लस 9। Na सोडियम हैज अ स्मॉलर आयोनिक रेडियस देन F। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन हो गया रिलेटिव आयोनिक साइज, ठीक है, आपका जो फेरस हो जाता है F, नियोन हो जाता है, सोडियम हो जाता है और मैग्नीशियम हो जाता है, ठीक है। और इसी जी हैव द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन आपका 1s² 2s² 2p6, ठीक है। चलिए आयनिक रेडियस थोड़ा सा देख लेते हैं, समझते हैं इसको। इवन इलेक्ट्रॉन आयन, तो इवन इलेक्ट्रॉन आयन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑन द आउटर सेल आर फुली पेयर्ड, ठीक है। जनरली मोर स्टेबल हो मतलब बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं स्थायी होते हैं। ऑफन द मोर एब्यूंडेंट फ्रेगमेंट आयन, ठीक है, CH4+ का इस पर लगा हुआ है CH3+H। इन क्लोरीन इवन इलेक्ट्रॉन या Cl बोल सकते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन आयन सच MH आर फॉर्म रिजल्टिंग इज लोअर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। आयन रेडियस देख लेते हैं, तो न्यूट्रल एटम्स और आयन्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन आर सेड टू बी द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। जैसे कि आपका Na होता है, Na यानी कि सोडियम एटम की अगर बात की जाए तो 1s² 2s² 2p6 3s1, तो कंटेन वन एक्स्ट्रा सेल कंपेयर टू Na+। तो इसका जो है मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का जो है क्या इसमें निकल रहा है, तो मैंने बताया था कि इसका जो आखिरी जो क्या बोलते हैं जो सोडियम होता है उसका आखिरी जो कक्षा होती है उसमें मैंने क्या बताया था, एक जो आयन वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी जो अष्टक पूरा नहीं इसका हो पा रहा है, या तो इसके साथ ले किसी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो भैया बहुत मारेगा, तो हल्का पूरा था, एक दो ले लो, तीन चार ले लो, सारे के सारे ले लोगे क्या? तो ये क्या करता है, एक हटा देता है। जब इसने एक हटा दिया तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या लग गया, प्लस का लग गया, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है त्याग दिया, तो बना इसका 1s² 2s² और 2p6, ठीक है। F आयन 1s² 2s² F 2p6, तो कंटेन एन एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द F एटम। तो इसने क्या कर दिया, यानी कि 1s ये तो इसने अपना पूरा का पूरा जो है अपना त्याग दिया। देयरफोर Na
मतलब ले लिया इसने, ठीक है। तो एन ए प्लस और एट एन ए एंड एफ माइनस आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। चलिए रासायनिक बंध के प्रकार देख लें तो परमाणु स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हर जो परमाणु होता है वो स्थायी संरचना यानी कि स्टेबली स्टेबिलिटी जो है अपनी बरकरार रखना चाहता है, तो उसके लिए वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। उस अष्टक को पूरा करने के लिए कभी दे देता है, कभी ले लेता है, कभी साझा कर लेता है, यानी कि तू मेरी और मैं तेरी, क्या महबूबा। जब महबूबा बनाते हैं तो थोड़ा सा प्यार आप भी करेंगे, थोड़ा सा वो भी करेंगे, तब जो है आपस में मिलन हो पाएगा। और जो लेना ही लेना होता है तो वो केवल लेता है, उससे अपना पेट भरता है, कुछ देते ही देते हैं। तो इस तरह से होता है। तीन तरह से जो है, मैं फिर से बता दूं, जो है तीन तरह से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। या तो वो देते हैं, देने वाला जो है मतलब दाता हो जाता है, लेने वाला ग्राही हो जाता है। या तो फिर जो है दूसरा जो है लेता है, लेने वाला ग्राही और देने वाला दाता हो जाता है। तीसरा जो होता है वो लेता और देता दोनों, मतलब ले भी ली और दे भी दी, यानी कि थोड़ा सा दे दिया और थोड़ा सा ले लिया, ठीक है। चलिए तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक बंध, इस प्रक्रिया को रासायनिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो आइए देखते हैं, परमाणु स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए रासायनिक बंध बनाते हैं जो वैद्युत संयोजी बंध, सह संयोजी बंध तथा उप संयोजी बंध, इसके अतिरिक्त ये हाइड्रोजन बंध भी बनाते हैं। तो वैद्युत संयोजी बंध की अगर बात की जाए, वैद्युत संयोजी बंध की अगर बात की जाए तो भैया ई का है, तो वैद्युत संयोजी या विद्युत संयोजी, तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में जो बंध बनते हैं उसे वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें देते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये देते हैं, ठीक है। जब कोई धातु किसी अधातु के साथ संयोग करती है तो उसके मध्य समानांतर वो साधारणतः वैद्युत संयोजी बंध बनते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें या तो लिया जाता है, अगर लिया गया तो प्लस लग जाएगा, वो सॉरी माइनस लग जाएगा उस पर, अगर दिया है उसने तो प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आयनिक बॉन्डिंग हम यहाँ पर दिखा देते हैं, एन ए और सी एल। तो एन ए जो है आपका दे दिया इसको, क्यों मैंने बताया था आखिरी कक्षा में इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी आखिर में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें क्या कर दिया, इसने दे दिया, इस पे प्लस का लग गया, इस पे माइनस का लग गया। तो एन ए सी एल यानी सोडियम क्लोराइड आपका बन के तैयार हो गया। यानी सोडियम जो है आखिरी कक्षा में कितना था, एक था, और इसमें कितने थे आपका जो है आखिरी कक्षा में इसका कितने थे, सात थे, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, एक दे दिया, एक दे दिया, तो इस पे प्लस का चार्ज लगा और इस पे माइनस का चार्ज लगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्डिंग जो है आप देख सकते हैं, एन ए एन ए प्लस आपका जो है कैल्शियम, सॉरी क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन तो माइनस का लग गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एन ए सी एल एन ए सी एल, ठीक ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए आयोनिक बॉन्डिंग, क्लोवेनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड, इसको हम आगे एक एक करके समझेंगे। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, चलिए कुछ महत्वपूर्ण विद्युत संयोजी यौगिक देख लेते हैं, विद्युत या वैद्युत संयोजी यौगिक। तो यहाँ पर आपको इसका नाम कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसमें कैल्शियम है, रासायनिक सूत्र कैल्शियम ही है, और ये आपका नाइट्रेट है। इसमें क्या मिलाया, आपका कैल्शियम, ठीक है, और ये आपका जो है नाइट्रेट हो गया। कॉपर सल्फेट की बात करते हैं, ये यहाँ पर जो है प्लस का चार्ज प्लस टू है, यानी कि इसने दो दिए हैं, ठीक है। इसको कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2 इस पे, यानी कि तो इसने दिए हैं, और SO2 तो यहाँ पर जो है कितना लिया है, दो इसने लिया है। कैल्शियम क्लोराइड तो Ca कैल्शियम, और ये आपका क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, तो इसने इस पे टू का चार्ज लगा हुआ है, तो इसने दो दिए हैं और एक इसने क्या किया है, लिया है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl Mg2 इस पे चार्ज लगा हुआ है और Cl, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनिया ये आपका हो गया NH4 और क्लोरीन आपका ये Cl हो जाए, तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो Mg आपका ये हो गया, मैग्नीशियम जो है आपका दो इसने इसकी कक्षा में होंगे, इसने कक्षा उतार सॉरी इसने अपनी कक्षा से जो है दो इलेक्ट्रॉन आपको दिए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ये है आपका ऑक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो इस पर प्लस का चार्ज लगा है और इस पर माइनस लगा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो इस पर Na मतलब सोडियम पे प्लस का चार्ज लगा है, यानी कि इसने दिया है और OH इसने लिया है। सोडियम फ्लोराइड तो सॉरी सोडियम क्लोराइड तो NaCl, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए समझते हैं, इसको भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन एवरीडे लाइफ। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको नमक कहते हैं सादा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO4, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, खाने का सोडा होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्लीनर होता है, ड्रेन क्लीनर। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaOCl, ब्लीच जिसको पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, तो आपका हो जाएगा, ये नमक होता है एप्सोम, ठीक है। चलिए एप्सोम सल्फेट, चलिए सह संयोजी बंध देख लेते हैं। परमाणु में, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी जो बंध बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युग्म से जो साझेदारी से जो बंध बनते हैं उन्हें सह संयोजी बंध कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, साझेदारी में क्या होता है कि या तो दो तत्व हैं, तो दोनों तत्व क्या कर रहे हैं, एक तत्व अपना दे रहे हैं, एक तत्व ले रहे हैं, तो ऐसे क्या कर रहा है, इनका भी कक्षा पूरा हो रहा है, इनका भी कक्षा पूरा हो रहा है। दूसरा मान लीजिए दो परमाणु जो है साझा हो रहे हैं, ये इसमें भी दो कम पड़ रहे हैं, इसमें भी दो कम पड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कर दिया, इसने भी इधर से भी दो ले लिया, इधर से भी, तो इस तरह से आदान प्रदान हुआ, तो ये भी साझा हो गया। तो यहाँ पे तीसरा जो होता है कि तीन तीन परमाणु दिए, तीन मैंने लिए, तीन आपने लिए, तो इस तरह से क्या हो गया, आपका जो है बॉन्डिंग हो जाती है परफेक्ट, यानी कि अपना इस तरह का जो है सह संयोजी बंध कहलाता है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं एकल बंध, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है युग्म साझा होता है, यानी कि एक लिया और एक दिया। युग्म बंध, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें साझा होते हैं। त्रिक बंध, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। तो आइए एकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा सा देख लेते हैं, आप जूम करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड, वो सॉरी हाइड्रोजन वो सॉरी जल का देख लेते हैं, H2O सूत्र होता है इसका। तो इस तरह से किस तरह से होता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है एक जो कक्षा होती है, एक ही इसमें परमाणु होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी एक कक्षा जो होती है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपने क्या करता है, दो होने चाहिए, मतलब पहली कक्षा जो है पहली में तो दो होने ही होने चाहिए, और बाद की जो है आखिरी कक्षा में क्या है, आठ हो सकते हैं। तो ये अब दो तो नहीं बना सकता, मतलब आठ तो नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, अपना जो है दे देगा और एक ले लेगा। यहाँ पर क्या कर दिया इसने, एक जो है परमाणु अपना, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने ऑक्सीजन को दे दिया, और इस वाले ने भी एक दे दिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कक्षा है उसमें कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, छः हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। इसने क्या कर दिया, एक इसने दे दिया तो सात, और एक इसने दे दिया आठ। इसने एक इधर दे दिया तो इसका भी पूरा हो जाएगा, एक इधर दे देगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, ये आदान प्रदान यानी साझा करके जुड़ गए आपस में, इस तरह से बॉन्डिंग कर ली। बॉन्डिंग जब कर ली तो क्या हो गया, हाइड्रोजन आपका जुड़ जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ, तो बन जाता है आपका जल, ठीक। तो ये सिंगल हो गया क्योंकि इसमें क्या कर दिया, एक दिया है। तो जब इसने हाइड्रोजन ने अपना एक दिया और एक लिया, तो हाइड्रोजन की कक्षा में कितने हुए, एक दो, इसकी कक्षा में कितने हुए, एक दो। अब आपके यहाँ पर जो है ऑक्सीजन वाली कक्षा देखें, तो ऑक्सीजन की कक्षा की जोड़ते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, नहीं एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, तो ऑक्सीजन के में कितने हो गए, आठ हो रहे हैं। क्लियर हुआ ना, चलिए मतलब आखिरी कक्षा में आठ हो जाते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब आ जाता है डबल बॉन्डिंग, तो डबल में क्या होता है, ये ये है आपका ऑक्सीजन और ये इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ रहे हैं इससे, किससे, कार्बन से। तो कार्बन की कक्षा की अगर बात करें, तो कार्बन की कक्षा में चार जो है, यहाँ पर जो है आखिरी वाली जो कक्षा है इसमें चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो और तीन चार। तो अब भैया ये आठ कहाँ से करेगा, तो दो इससे लेगा, किससे, इस वाले ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन से ले लिया तो छः हो गए, दो इससे लेगा तो कितने हो गए आपके, आठ हो गए। तो इसने अपना जो है अष्टक पूरा कर लिया। अब बात आती है इसकी, तो भैया इसने इसको भी तो अपना अष्टक पूरा करना है, तो इसको कितने चाहिए, इसमें छः हैं, तो एक दो तीन चार और पाँच छः। अब इसको चाहिए भी, तो ये क्या करेगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड से दो ले लेगा, इधर से लिया एक दो, तो ये क्या हो गया, साझा हो गया ना, दो का दो तूने दिए दो मैंने लिए, तो क्या हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इधर से भी कर लेता है बातचीत ये अपनी पूरी, इधर से भी की तो इसने क्या कर लिया, क्योंकि इससे भी तो लिए थे तभी तो इसके आठ हुए हैं, तो दो इससे लिए, मतलब दो लिए और दो दिए, तो इसका कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ, ये कितना हो गया, इसका आठ हो गया, यानी कि अष्टक इसका पूरा हो गया। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब आता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन का जो प्यार है, नाइट्रोजन का जो प्यार है वो नाइट्रोजन के साथ होता है, तब ये बन जाता है आपका N2। तो यहाँ पर जो है मान लीजिए ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की आखिरी कक्षा जो है एक दो और एक दो, यानी कि इसकी आखिरी कक्षा जो उसमें कितने हैं, दो हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन से क्रिया जब करेगा तो इसमें क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, एक दो तीन,
एक दो तीन, यानी कि पांच इसकी आखिरी कक्षा में और पांच इसकी आखिरी कक्षा में, तो अभी इनको तीन तीन चाहिए पूरा करने के लिए, तो तीन इसने दे दिए नाइट्रोजन है इसको और तीन ले लिए, तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ, इसका अष्टक पूरा हो गया, एक दो तीन चार पाँच और इससे लिए एक दो तीन, इसका भी अष्टक पूरा हो गया, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्डिंग। तो छः इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, आदान और प्रदान हुआ है, इसमें चार इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन का आदान और प्रदान हुआ है क्योंकि एक लिया है और एक दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, सही सही हो जी, यहाँ पर आयोनिक कोवेनेंट एंड कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट में क्या है, लिया और दिया दोनों जाता है। चलिए चलिए, सहसंयोजी यौगिक में ही ये अधिकतर द्रव और गैस होते हैं, ये विद्युत के चालक नहीं होते अर्थात जल में अघुलनशील होते हैं, यानी कि जल में ये घुलते नहीं हैं। कार्बन विलायकों में घुलनशील होते हैं, यानी कि कार्बन के जो विलायक होते हैं उसमें घुल जाते हैं। ये समावयता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि संयोजी बंध प्रकृति में दिशात्मक होते हैं, ठीक है। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक व क्वथनांक जो हैं साधारणतः क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। चलिए गुण देख लेते हैं, कैसे ये बनते हैं, कौन, आयनिक यौगिक, ये इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक क्या बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों के साझे के फलस्वरूप बनते हैं, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के, यानी कि स्थानांतरण मतलब या तो चला गया तो बन गया तो प्लस का लग गया, अगर लिया है तो माइनस का बना, माइनस का लगता है, तो या तो लेने पर ये बनता है या फिर देने पर बनता है। ये सहसंयोजी में क्या होता है, इसमें केवल दोनों काम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के साझे से, यानी कि दो ले लिए और दो दे दिए, यानी कि दो दे दिए प्लस दो दे दिए और दो ले लिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, साझा हो गया। चलिए भौतिक अवस्था, ये दृढ़ एवं क्रिस्टलीय होते हैं, ये साधारण द्रव तथा गैस तथा उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो ये अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि तुरंत लपक के क्रिया करते हैं, ये कम क्रियाशील होते हैं, यानी लपक के क्रिया नहीं करते हैं। विलेयता, ये जल में विलेय होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं, यानी घुलते नहीं हैं। विद्युत चालकता, ये पिघली हुई अवस्था या कहें विलयन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक तथा क्वथनांक जो है निम्न यानी कि कम होते हैं, यानी कि जल्दी ही ये पिघल जाते हैं और जल्दी ही ये जम जाते हैं। अभिक्रिया दर, विलयन अवस्था में इनकी अभिक्रिया दर तीव्र होती है, इनकी अभिक्रिया दर जो है मंद होती है, यानी कि कम होती है, ठीक है। आयनीकरण की बात करें, ये विलयन अवस्था में सरलता से आयनित हो जाते हैं, ये सरलता से आयनित नहीं होते हैं। संयुक्त यौगिक क्या होते हैं, तो कार्बन परमाणु स्थायित्व को कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये मैं यहाँ पर बता दिया। तो संयोजक यौगिक जिन यौगिकों के अणुओं में परमाणु परस्पर संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें सह संयोजी यौगिक कहते हैं। तूने मेरा दो लिया तो तूने मेरा, मैंने तेरा भी दो ले लिया, इस तरह से, यानी सह संयोजी, यानी कि आपस में प्रेम करो प्यारे और आनंद लो प्यारे। चलिए कुछ सह संयोजी यौगिक देख लेते हैं, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया, तो अमोनिया बनता है आपका एन एच थ्री, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका अमोनिया ने जो है प्यार हुआ किसके साथ, आपका एन के साथ, किसका, एच से, तीन का, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया था कि किस तरह से दो का लेन देन हुआ है, किसके साथ, आपका ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर किसके साथ हुआ है, इसके साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो सी सी एच फोर, तो यहाँ पर कार्बन और आपका क्लोरीन। एथेन एथेन सी टू एच सिक्स सी और एच, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन। एथिलीन आपका सी टू एच फोर सी और एच। मीथेन सी एच फोर, तो कार्बन और हाइड्रोजन। शर्करा यानी कि चीनी जिसको कह सकते हैं, तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू और ओ इलेवन सी और ओ, ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड, तो सी एच टू, तो कार्बन और ये सल्फर, ठीक। एसिटिलीन एथाइन, तो सी टू एच टू, तो कार्बन और हाइड्रोजन। अल्कोहल एथेनॉल सी टू एच फाइव ओ एच, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है, यहाँ पर कोवेनेंट यानी कि इसमें जो है क्या होता है, सह संयोजी बना रहा है, और ये आयोनिक यानी कि या तो ये दे रहा है या ले रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने इसको दिया है, इसने इसको दिया है और इसने इसका लिया है, तो इस पर क्या होगा, देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर क्या बन जाएगा, माइनस का सिंबल बन जाता है, तो ये आयोनिक हो जाता है।
ठीक है। चलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं PC4 PCl4 H2O और यहाँ पर जो है CO2, यानी कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ली है किसने, कार्बन ने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और वो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का संयोजी बंध होता है जिसमें दो परमाणु आपस में या परस्पर साझे के एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा बंधे हुए होते हैं, लेकिन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा ही दिया जाता है। जो परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं उन्हें दाता परमाणु कहते हैं, तथा जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें ग्राही परमाणु कहते हैं। आइए देखते हैं उपसहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यह बंध दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक युग्म की साझेदारी से बनता है। साझे का यह इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है जिससे दाता कहते हैं, और दूसरा जो है जो लेता है उसको ग्राही कहते हैं। इस बंध को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तथा इस तीर का सिर जो है ग्राही की ओर हमेशा रहता है। इसे सेमी पोलर या कहें डेटिव पोलर भी कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है जैसे कि H2 और O2, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको कोऑर्डिनेट कोविनेंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर का जो बनता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन आयन जो बनाकर तैयार किया तो हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा, तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट कोविलेंट, ठीक है, वो कोविलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो है ये तीर के द्वारा यहाँ पर आपको दर्शाया जाएगा, जो लेने वाला है वो यहाँ पर जो है इस तरह से दर्शा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो ऑक्सीकरण देखते हैं, तो परमाणुओं आयनों व अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण के द्वारा किसी तत्व की धनात्मक संयोजकता क्या होती है, बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा त्याग कर ऑक्सीकरण किया जाता है। अब अपचयन क्या होता है भैया, इसको भी देखते हैं। परमाणुओं आयनों व अणुओं द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। अपचयन में तत्व की धनात्मक संयोजकता क्या होती है, घट जाती है। यानी कि मान लीजिए आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो है आपका क्या माल को जो है इसने इसको दिया, ठीक है, इसने इसको दिया, तो यहाँ पर क्या है आपका एक्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने अपना माल जो है दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसका धनात्मकता जो है वह बढ़ जाएगी। एक्स इज द ऑक्सीडाइज्ड वाई द वाई बिकम मोर पॉजिटिव, ठीक है, समझ रहा ना, इसको इसने दिया है तो ये मोर पॉजिटिव हो गया। बाई गैन इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाई ने क्या किया है माल को खरीदा है, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है, अपचयन वाला हो जाएगा, अपचयन इसको हम कह सकते हैं। बाई इज अ रिड्यूसिंग बाई इज रिड्यूस्ड बाई एक्स, ठीक है, बिकम मोर निगेटिव, यानी कि अपने आप को क्या बना लेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि अपचयन धनात्मक की संयोजकता घट जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये मोर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन यहाँ पर देख सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। रिडक्शन की बात की जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की यहाँ पर बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन वाई एम जी, यहाँ पर देख सकते हैं टू यहाँ पर जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, ठीक है। तो ये आपका तो ऑक्सीकरण और अपचयन में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयन या फिर अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें परमाणु आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है उसे अपचयन कहते हैं। Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये क्या होता है आपका त्याग रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, इसलिए प्लस का चार्ज लगा है, जो है आपका फेरस हो जाता है, ठीक है, फेरे क्या फेरस जो है आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, एक दो
दो इलेक्ट्रॉन इसे त्यागे हैं तीन, ठीक है, तो इस पर क्या है ये मोर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस पर पॉजिटिव का साइन लग जाएगा, ठीक है। ब्रोमाइड जो हो जाता है आपका, इस पर जो है दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, लिए हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, तो ये इस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है माइनस का लगेगा, ठीक। इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से धनायन बनता है तथा धनायन पर आवेश बढ़ता है, या रेडायन से उदासीन परमाणु बनता है। क्लोरीन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, लेता है, क्योंकि इसकी आखिरी कक्षा को इसे पूरा करना होता है, तो इस पर माइनस लग जाता है, ये आप चैन में आ जाता है। Mg मैग्नीशियम होता है, ठीक है, MnO4 प्लस, इस तरह से। इस अभिक्रिया में उदासीन परमाणु से रेडायन बनता है, या रेडायन पर आवेश बढ़ता है, या फिर धनायन से उदासीन परमाणु बनता है। चलिए इसको देख सकते हैं आप, इसकी डॉट ले लीजिए, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अपचयन ऑक्सीकरण और अपचयन। चलिए साथियों बात करते हैं आगे ऑक्सीकारक के और अपचायक के बारे में, देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। सभी धनावेशी तत्व ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। अपचायक की बात करें तो वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन देते हैं अपचायक कहलाते हैं। सभी ऋणावेशित पदार्थ अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, द सब्सटेंस एटम आयन और मॉलिक्यूल्स द गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयर वाई रिड्यूस टू लो बैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाइल द सब्सटेंस दैट लॉसेज जो भी हम कहना चाहें इलेक्ट्रॉन्स एंड इज देयर वाई ऑक्सीडाइज टू अ हायर वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एजेंट और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हूज एटम और एटम्स डिक्रीज वाइल अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हूज एटम डिक्रीज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिमेंबर दैट फॉर एन ऑक्सीडेशन टू अकर अ रिडक्शन मस्ट ऑल्सो अकर ऑयल आर आई सी। ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड इज टर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ स्पीसीज, ठीक है। रिडक्शन कैन बी द डिफाइंड एज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई अ स्पीसीज। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मस्ट इट्सेल्फ बी द रिड्यूस्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन डोनर मस्ट इट्सेल्फ बी द ऑक्सीडाइज्ड। द एक्शन ऑफ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी द रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ हाफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखने को मिलेंगे आपको और ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तुरंत जो है इनका निकल जाता है और ये जो है ये बहुत मजबूत है, इनका निकलता नहीं है, ये सीधा सीधा जो है निकाल देते हैं लोगों का, ठीक है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है तो इसे उत्प्रेरण या कैटालाइसिस कहते हैं। जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति जो है बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल क्रिया की गति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूरिया है, ये जल H2O है और यूरिएज नामक जो है उत्प्रेरक है, ये क्या कर रहा है इसकी जो है अभिक्रिया को बढ़ा रहा है। क्या बना आपका अमोनिया और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। माल्टेज की उपस्थिति में आपका क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो आइए देखते हैं मेथिल एसीटेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेथिल एसीटेट और जल के साथ अभिक्रिया कराकर HCl की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्या बना रहा है, एसीटिल अम्ल प्लस मेथिल एल्कोहल बना रहा है CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो NO है, ये NO की उपस्थिति में सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। वॉट इज द कैटालाइसिस देखते हैं थोड़ा सा, पहले तो कैटलिस्ट देखते हैं हम और फिर कैटालाइसिस देखेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं KClO3MnO की उपस्थिति में ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, बढ़ा रहा है ये, ठीक है। आपका KCl और O2 बना रहा है यानी कि ऑक्सीजन। वनस्पति तेल हाइड्रोजन की उपस्थिति में उत्प्रेरक जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है, वनस्पति घी की
उत्पत्ति होती है, बनता है। डेफिनेशन ऑफ द कैटालिस्ट, ठीक है, कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है, आपका उत्प्रेरक क्या है, ठीक है। तो इज अ सब्सटेंस दैट द एल्टर्स द रिएक्शन रेट ऑफ द पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड टू क्लास, फर्स्ट पॉजिटिव कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट, निगेटिव कैटालिस्ट इनहिबिटर डिक्रीज द रेट। यानी कि दो तरह के जो है उत्प्रेरक होते हैं, एक तो होता है जो क्या करता है अभिक्रिया की दर, यानी कि पॉजिटिव होता है जो अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, दूसरा होता है निगेटिव उत्प्रेरक यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरक, वो क्या करता है जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर को क्या करते हैं घटा देते हैं, यानी कि डिक्रीज यानी कि कम कर देते हैं। हाउ टू चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज द कैटालिसिस, तो कैटालिसिस इज द केमिकल रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाई अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मटेरियल दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन व्हाइल इटसेल्फ नॉट अंडरग्राउंड अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज। द टर्म ऑफ कैटालिसिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अर्ली एज 1836 बाई द वर्जीलियस, ठीक है, वर्जीलियस इनका अंकल का नाम था। देयर आर टू क्लासेस होती है, पॉजिटिव कैटालिस्ट और निगेटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और निगेटिव कैटालिस्ट जो है डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि एक बढ़ा देता है और दूसरा जो है घटा देता है। देख लेते हैं यहाँ पर कैटालिस्ट, आप देख सकते हैं होमोजेनियस कैटालिस्ट, ठीक है, तो सिंगल फेज में होता है यानी कि ये मैंने बताया था मिश्रण जो है दो तरह के होते हैं, समांगी और विषमांगी, जिसमें दो परतें बन जाती हैं, एक तो लिक्विड फेज होता है दूसरा होता है सॉलिड फेज। चलिए उत्प्रेरक वर्धक देख लेते हैं क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष देख लेते हैं, इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव वे होता है और ये निगेटिव होता है यानी कि ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया में उत्प्रेरक के साथ मिश्रित करने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है उन्हें उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, जैसे कि Na यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसमें आपका Fe या कहें MO जो मिलकर क्या कर रहा है उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है यानी वर्धक का कार्य, इससे क्रियाशीलता जो है बढ़ रही है, तो NH3 बन रहा है यानी कि अमोनिया बन रहा है, तो MO उत्प्रेरक वर्धक है, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, लेकिन उत्प्रेरक नहीं होते हैं भैया, ये उत्प्रेरक वर्धक होते हैं। उत्प्रेरक विष देख लेते हैं, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है उन्हें उत्प्रेरक विष कहते हैं, भैया N2H2 यानी कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन आपका CO जो मिला दिया जाता है तो इसकी जो है अभिक्रिया की दर जो है घट जाती है, इसमें क्या है बढ़ जाती है, तो यहाँ पर अभिक्रिया में CO जो है उत्प्रेरक विष का कार्य कर रहा है, ये उत्प्रेरक नहीं है लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है कम कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं समांगी उत्प्रेरण देखते हैं और विषमांगी उत्प्रेरण देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक एवं उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में हों तो इस क्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, जैसे CH3COOCH3 जिसको मेथिल एसीटेट के नाम से जाना जाता है, और H2O यानी कि जल की उपस्थिति में आपका HCl जो है क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, तो ये क्या है एक तरह से समांगी उत्प्रेरण है। वहीं विषमांगी देखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्प्रेरण की भौतिक अवस्थाएं जो हैं भिन्न भिन्न हों तो इस क्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, जैसे कि वनस्पति तेल हाइड्रोजन की उपस्थिति में आपका निकेल की जो है आपका क्या है उत्प्रेरण के रूप में ये कार्य कर रहा है तो वनस्पति घी का निर्माण हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इसकी भौतिक जो स्थिति है वो क्या है अलग है, यहाँ पर तीनों जो स्थितियाँ वो सेम हो रही हैं, यहाँ पर जो है बदल रहा है, तो ये है विषमांगी उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक और सामान्य उत्प्रेरक थोड़ा सा देख लेते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक हैं, ये शरीर के सामान्य ताप व पीएच पर सक्रिय होते हैं, ये जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा सामान्य रूप से प्रोटीन भी होते हैं, इनके अणु भार जो है उच्च होते हैं, ये बहुत कम ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइम उत्प्रेरक सीधा सा मतलब ये जीवित प्राणी में काम करते हैं, जैसे मनुष्य होता है तो उसके अंदर एंजाइम होता है, कोई जानवर होता है तो उनमें एंजाइम्स होते हैं, तो जीवित प्राणी में एंजाइम्स हुआ करते हैं, जबकि केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है मतलब मृत किसी केमिकल में तत्व में तो वो आपका उत्प्रेरक के रूप में देखा जाएगा। सामान्य उत्प्रेरक तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक हैं, ये किसी निश्चित अनुकूलन ताप पर भी कार्य करते हैं, ये धातु अधातु या धातुओं तथा अधातुओं के यौगिक से हो सकते हैं, इनके अणु भार जो है कम होते हैं, ये बहुत ही कम ताप पर जो है प्रभावहीन होते हैं।
उत्प्रेरक की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। यह भार तथा बनावट में अपरिवर्तित रहते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को क्या करती है, परिवर्तित यानी कि बदल देती है। यह किसी क्रिया को आरंभ नहीं करते हैं, ठीक है। सामान्यतः उत्पादों की प्रवृत्ति नहीं बदलते, यह अपने कार्य में विशिष्ट होते हैं। इनकी साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका प्रमुख कार्य अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को कम करना होता है। चलिए एंजाइम उत्प्रेरण देखते हैं। एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया की दर को बढ़ाना एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। एंजाइम की बहुत सूक्ष्म मात्रा ही पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर देती है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, अतः 5 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के ताप के अधिक के प्रति अधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम क्रिया में अत्यंत ही विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट विच इज़ द एक्सपेक्शन ऑफ द सम आरएनए एंड द कैटालाइज देयर ओन सेल्फ क्लीवेज ऑल द एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। एंजाइम कैन बी द डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 10^9 to 10^20 ओवर एन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। सम कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ ओनली वन कंपाउंड, ठीक है। यूरिया देख लेते हैं, ठीक है। अदर आर द, इसको छोड़िए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने ज़्यादा समझाने को नहीं है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइनेटिक एंजाइम ऑफ कैटालाइसिस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिलियन थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग या कहें एक समान मिश्रण जो है बिलियन कहलाता है। इस समांग मिश्रण में जो पदार्थ घोला जाता है वह बिलय कहलाता है, तथा द्रव में जिसमें बिलय घोला जाए उसको बिलायक कहते हैं। फिर से बता दूं, वह बिलियन मतलब समांग मिश्रण में जो पदार्थ घोला जाता है वह बिलय कहलाता है, तथा द्रव जिसमें बिलय घोला जाएगा वह बिलायक कहलाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट होता है, यहाँ पर क्या है, एक तो होता है देखो सॉल्यूट जो होता है बिलय होता है, सॉल्वेंट जो होता है आपका बिलायक होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बिलियन बनाते हैं। बिलियन यानी कि सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट यानी कि बिलायक कौन सा हो गया जिसमें माल घोला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए कि बिलियन में अगर देखा जाए तो बिलियन मान लीजिए समान मिश्रण है, तो बिलियन में कौन सी चीज़ ज़्यादा होगी, तो हमेशा कहेंगे कि बिलायक ज़्यादा होगा, बिले जो है कम होगा। यानी कि आप पानी में क्या घोलेंगे, पानी में आपका पूछा जाए तो पानी क्या है आपका बिलायक हो जाएगा। पानी में अगर चीनी घोलें तो चीनी क्या होगी, एक बिले होगी, तो चीनी की मात्रा आप जानते ही हैं क्या होगी, कम होती है। वहीं नमक की मात्रा भी कम होगी, तो नमक है चीनी है तो आपका क्या हो जाएगा, नमक क्या होगा आपका सॉल्यूट या बिले होगा, चीनी आपका सॉल्यूट या बिले होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। मिट्टी या मान लीजिए किसी में घोलना चाह रहे हो तो मिट्टी वैसे बिलियन नहीं होता है, बिले जो है कम होता है और विलायक जो होता है ज़्यादा होता है। तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन दोनों को मिलकर और सॉल्यूट, तो यहाँ पर आप दोनों को देख सकते हैं, सॉल्यूट की मात्रा जो है बहुत कम होगी, सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट वाटर मिलाकर सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। चलिए कोलाइड अवस्था देख लेते हैं। कोलाइडी बिलियन में बिलय के कण वास्तविक बिलियनों के बिलय के कणों से बड़े लेकिन निलंबन के बिलय के कणों से छोटे होते हैं। कोलाइडी बिलियन प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित यानी कि चमका देते हैं, जिससे आप जब कभी भी देखते हो तो आप कहीं मतलब आप देखते होंगे पुराने ज़माने में जब घर हुआ करते थे तो उसमें छोटा मोटा कोई छेद हो या फिर मान लीजिए कोई जंगला है तो उसमें क्या है मान लीजिए थोड़ी सी खिड़की वगैरह, तो जब धूप निकल रही होगी आप झाड़ू वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको धूल के कण चमकते हुए दिखेंगे, तो वही प्रकीर्णन होता है, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन जो है प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण अपोहन विधि द्वारा किया जाता है। ये बहुत स्थायी होते हैं, ये अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जा सकते हैं। सोल में परिक्षेपण माध्यम द्रव तथा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर कोलाइडी विलयन आप देख सकते हैं, फोम मिल्क फॉग और स्मोक डिटर्जेंट आपका एरोजेल, ठीक है, ब्लड आपका पेंट आपका जो है
कॉस्मेटिक्स ये जो है आपके क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द कोलाइड एरोसॉल फॉर्म एम्यूशन शॉल जेल सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टेंटर इफेक्ट जो है आपका इसी का ही है। ये कोलाइड्स जो है आपका मिक्सचर ऑफ टू फेजेस ऑफ मैटर एम्यूशंस, ठीक है, एम्यूशंस एरोसॉल्स स्मोक और फॉग फॉर्म जेल मिल्क क्लाउड्स। तो ये क्या है, टू फेजेस ऑफ मैटर है, ठीक है। चलिए कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच अ सब्सटेंस इज इवनली सस्पेंडेड इन अ फ्लूड, इट इज अ स्मॉल मटेरियल दैट द रेगुलरली स्प्रीड आउट ऑफ ऑल थ्रू अनदर सब्सटेंस, जैसे कि आपका मिल्क हो जाता है, वाटर हो जाता है, ईटीसी। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, इनकी गुणधर्म देखें, तो द साइज ऑफ द पार्टिकल इज बिटवीन 1 to 10 नैनोमीटर, इट इज द हेट्रोजेनियस इन अ नेचर, यानी कि जो है विस्मांगी जो है मिश्रण होता है ये, ठीक है। दे डिफ्यूज थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। पार्टिकल आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई, वट कैन बी द स्टडीड अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इट सोन टिंडल इफेक्ट, ये हमें टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए पायस देख लेते हैं, पायस क्या होता है। तो ऐसा कोलाइडी बिलियन जिसमें परिक्षेपण माध्यम तथा परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव्य होते हैं, पायस कहलाते हैं। जैसे कि दूध आपका पायस का एक उदाहरण है, कॉर्ड लियर तेल आपका पायस का उदाहरण है। ये दो प्रकार के होते हैं, तेल में जल पायस जैसे कि दूध वेंसिंग क्रीम, ठीक है। जल में तेल पायस देखा जाए तो कोल्ड क्रीम हो जाता है, और कॉर्ड लिवर तेल आपका हो जाता है, क्या है ये आपका जल में तेल पायस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका पायस है वो दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, आपका जेल में जल पायस, तेल में जल पायस और जल में तेल पायस, ठीक। तो फिर से बताइए, कोलाइड बिलियन इन्हें प्रक्षेपण माध्यम तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था दोनों तरफ होते हैं, पायस कहलाते हैं, दूध कोल्डियर और तेल, ठीक। चलो यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज एन एम्यूशन, ठीक है। एन एम्यूशन इज द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड देयर द नॉर्मली डोंट मिक्स, जैसे कि दूध आपका, वाटर आपका, म्योन ये पता नहीं क्या है यार, ये मैंने नहीं देखा इसको भी, सलाद ड्रेसिंग, ठीक है, और उसका मॉइस्चराइजर, ठीक। इसमें जो है आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किस तरह से जो होता है, ये जो है आपका विस्वांगी मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण होता है। तो कोलाइडी बिलियन जो होता है समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। मैं पीछे बताया था विस्वांगी, तो समांगी होता है, ठीक है। ऑयल इन वाटर, जो क्रीम होता है ऑयल इन वाटर होता है, तो ये है तेल में जल पायास, तो ऑयल इन वाटर, वाटर वाटर इन ऑयल, यानी कि जल में तेल पायास, ठीक है। तो वाटर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है लिक्विड वन, वाटर एम्यूशन जो है यहाँ पर, और ये इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जेल के बारे में बात करते हैं। ऐसे कोलाइडी विलियन जिनमें प्रक्षेपण माध्यम ठोस लेकिन प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव्य होती है, जेल कहलाते हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने इकट्ठा कर करके माल घोल घाल के बना दिया, तो प्रक्षेपण माध्यम है, नहीं रखा हुआ है किसी में, अगर इसको ठोस माध्यम है, मतलब जेल जो है ठोस माध्यम है, लेकिन इसकी कब प्रक्षिप्त प्रावस्था है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये द्रव पराध में हो जाएगा। जब आप जेल वगैरह निकालेंगे तो वो थोड़ी बहुत देर बाद क्या होगा, ये पिघलने से लगेगा, ठीक है। तो जेल कहलाते हैं, ठीक है। मक्खन व पनीर जेल का उदाहरण है। यह विलियम सोल होता है जिसमें प्रक्षेपण माध्यम द्रव तथा प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस होती है, जैसे अल्कोहल, अरंडी का तेल, ये आपका क्या होता है, बिलियन सोल होता है। जेल आपका क्या होता है, आपका जेल में क्या होता है, प्रक्षिप्त माध्यम ठोस होता है लेकिन प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव होती है। यानी वैसे देखा जाए तो ठोस होगा लेकिन प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या हो जाएगी, द्रव। वहीं बिलियन सोल क्या होता है, जिसमें प्रक्षिप्त माध्यम द्रव होता है, यानी कि देखने में ये द्रव जैसा लगेगा लेकिन हम जब इसको क्या करेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था कब हो जाएगी, अल्कोहल, मतलब वैसे देखने में, मतलब इसमें अल्कोहल है, मतलब जो क्या बोलते हैं, शराब है, तो उसमें हम रख देंगे तो देखने में तो द्रव जैसा लगेगा, लेकिन अगर हम खुले में कर देंगे या फिर मान लीजिए उसको जो है प्रक्षिप्त प्रावस्था में करेंगे तो गैस जैसा हो जाएगा, वो उड़ता हुआ महसूस होगा हमें, हाथ में जो है अल्कोहल लेते हैं ऐसे करके देखिए, ओरिजिनल होगा तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो फॉर्म
डिस्पर्ज फेज क्या होता है, गैस के रूप में होता है। जब ये निकलता है यानी कि माल जब हम निकालते हैं छोड़ते हैं तो लिक्विड में आ जाता है, फॉर्म जो होता है, मतलब आप जो शेविंग क्रीम जो होती है फॉर्म के रूप में होती है, तो इस तरह से मोटा मोटी मान सकते हैं। तो उसमें गैस के रूप में होते हैं, आप इस तरह से जो है उसको हिलाएंगे दबाएंगे तो उसमें से लिक्विड निकलेगा, इस तरह से हो जाएगा। बाथ क्रीम, शेविंग क्रीम और सोडा वाटर। सॉलिड फॉर्म की अगर बात की जाए तो गैस के रूप में होता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म होता है। बाद में जब हम उसको निकालते हैं तो सॉलिड में होता है, कॉर्क होता है, प्यूमिसिस्टोन होता है, फॉर्म रबर हो जाती है, ठीक है, प्यूमिसिस्टोन। यूक्विड एरोसॉल तो लिक्विड पदार्थ में होता है, जब ये बंद होता है यानी कि डिस्पर्स फेज में होता है, जब जब हम खोलते हैं माल को, हम सतर्क करते हैं सबके सामने दिखाते हैं, तो वो गैस के रूप में हो जाता है, जैसे फॉग हो जाता है, मिस्ट हो जाता है, क्लाउड हो जाता है। एम्यूशन की अगर बात की जाए तो देखने में लिक्विड लगता है लेकिन बाद में भी लिक्विड ही निकलता है, जैसे कि मिल्क होता है, हेयर होता है, हेयर क्रीम जो होती है, ठीक है, तो लिक्विड मैंने क्या बताया, दूध जो है जैसे खुले में रखेंगे तो भी वो लिक्विड ही रहेगा। जेल की बात करें तो लिक्विड देखने में रखा, लिक्विड सा वैसे होगा, आप इस तरह से हिला सकेंगे उसको माल को, लेकिन जब हम खुले में छोड़ देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, जैसे बटर है, ठीक है। बटर साला ये उल्टा हो रहा है, इसकी बहन का रामू काका मारूँ। बटर वैसे देखा जाए खुले में, हाँ, लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसको हम सही से करते हैं चीज हो जाता है, ठीक है, चीज कर्ड हो जाता है, जेरी हो जाता है, बूट पॉलिश हो जाती है। देखने में क्या है, ये आपकी लिक्विड है लेकिन बाद में जो है सॉलिड बन जाती है। स्मोक एरोसॉल जो है सॉलिड होता है लेकिन बाद में जो है गैस देखने को मिलती है, डस्ट हो जाता है, सूट इन एयर हो जाता है। सॉल लिक्विड वाले की अगर बात करें तो सॉलिड होता है, बाद में जब खुले में छोड़ते हैं तो हम लिक्विड हो जाएगा, इंक, कोलाइडल और गोल्ड, ठीक। सॉलिड अगर सोल की अगर बात की जाए तो सॉलिड होता है रबी ग्लास, ठीक है, रूबी ग्लास, गोल्ड स्पर्श इन ग्लास। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं थोड़ी देख लेते हैं। मिश्र धातुएं, सोल्डर किसमें काम आता है, टिन तथा लेड के द्वारा बनाया जाता है। सोल्डर धातु जो होती है, मिश्र धातु, टिन तथा लेड टांका लगाने में काम आता है। टाइम मेटल जो होता है, टिन लेड और एंटीमनी के द्वारा ये मिलकर बनता है, छपाई में प्रयोग होता है। बेल मेटल कॉपर और टिन के द्वारा बनकर मिलता है। घंटे और पुर्जे बनते हैं। पीतल की बात की जाए तो कॉपर और जिंक मिलाकर बनता है। तार, मशीनों और पुर्जे और बर्तन बनते हैं। जर्मन सिल्वर की बात की जाए तो कॉपर, जिंक और निकेल के द्वारा बनकर मिलता है, मिलकर बनता है। बर्तन और मूर्तियाँ इसकी बनती हैं। डेंटल मिश्र धातु की अगर बात की जाए तो सिल्वर, मरकरी, जिंक और टिन के मिलाकर बनते हैं। दांतों में भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एल नीको की अगर बात की जाए, एल नीको की अगर बात की जाए, आयरन, क्रोमियम और निकेल स्थायी चुंबक इससे बनती है, मतलब प्रयोग में किया जाता है, स्थायी चुंबक जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। कांसा की बात की जाए, कॉपर तथा टिन को मिलाकर बनाया जाता है। बर्तन, मूर्तियां आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। ब्यूटर की बात की जाए तो टिन और लेड को मिलाकर बनता है, बर्तन बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। गन मेटल की बात की जाए तो कॉपर, टिन और जिंक के द्वारा मिलकर बनता है। बंदूक, हथियार, मशीनों के पुर्जे। मैग्नीलियम की अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के द्वारा ये मिलकर बनता है। वायुयान तथा जहाज़ों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की बात की जाए, आयरन, क्रोमियम और निकेल को मिलाकर बनता है। बर्तन चिकित्सा के औजार बनाने में, जैसे कि कैंची वगैरह है, ये सब चीज़ें। कॉन्स्टेंटन की अगर बात की जाए तो कॉपर और निकल को मिलाकर बनता है। तार, विद्युतीय यंत्र, ये आपके हो जाते हैं। एल्यूमिनियम, ब्रांजा की अगर बात की जाए तो कॉपर और एल्यूमिनियम को मिलाकर बनता है। सिक्के, सस्ते आभूषण, इनको मिलाकर ये इसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में को में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं आपस में मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बन जाती हैं, ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो पीतल ही जैसे मान लीजिए आप, कॉपर प्लस जिंक आपका क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। तो मिश्र धातु के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ आपको मिश्र धातुएं इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगी। मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थ देख लेते हैं। साबुन की बात कर लेते हैं, साबुन, ठीक है, साबुन की बात करें। अरे कहाँ भाग रहा है भाई, साबुन के नाम से काहे डर रहा भाई, नहीं नहलाएंगे रे तेरे को। उच्च बसी अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लबड़ साबुन कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम पालमिटेट, ठीक है, स्टीरेट तथा सोडियम ऑलिएट आदि, ठीक है। तो साबुन के निर्माण में आवश्यक प्रयुक्त सामग्री की बात किया जाए, जंतुओं की चर्बी, वनस्पति तेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड आदि। साबुन बनाने का प्रक्रम साबुनीकरण कहलाता है। फिर से बता दूं, साबुन बनाने का प्रक्रम जो होता है क्या कहलाता है, साबुनीकरण कहलाता है।
चलिए, सोप आर द मोस्टली सोडियम एंड दी समटाइम्स द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड। सोप द डिराइव्ड फ्रॉम द पाम ऑयल इज सॉल्यूशन पाम मेड CH3CH2 14 CO2 Na एंड दैट फॉर्म एसिटिक एसिड इज सोडियम एसीटेट CH3COONa। सिमिलर वन इज द सोडियम स्टीरेटिक। चलिए, साबुनीकरण, इस साबुन का ये फॉर्मूला है, ठीक है, साबुन और जल। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोप फार्मूला अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ऑयल और सोप किस तरह से बनता है ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं फैट, ठीक है, हीट, वाटर वगैरह फलाना निमका। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है, यानी सेपोनिफिकेशन। ठीक, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से तेल या बसा प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन प्लस क्रिस्टोल, ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाई आपकी जो है साबुनीकरण कहलाई। इसको जूम कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑक्सीकरण कार छारी फलाना निमका। चलिए चलिए आगे बात करते हैं डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट एक विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें साबुन के समान ही सफाई का गुण मौजूद होता है, लेकिन ये साबुन नहीं होते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में आवश्यक प्रमुख सामग्री की अगर बात की जाए तो उच्च अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। साबुन में पीछे बता चुका हूँ, साबुन या सोप जिसको हम कहते हैं, साधारण साबुन उच्च बसा अम्लों के सोडियम लवण है। वहीं अपमार्जक या डिटर्जेंट की बात की जाए तो ऐसे पृष्ठ संक्रियक सरफेस टेंस पदार्थ जिसके तनु विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है, ये प्राय एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के समान ही होते हैं लेकिन कठोर जल में साबुन से अधिक विलेय होते हैं। तो आइए देख लेते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट द क्लींसिंग द सब्सटेंस दैट एक्ट सिमिलरली टू द सोप बट इज द मेड फ्रॉम द केमिकल कंपाउंड रेदर देन द फैट्स एंड आई। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डिसइनफेक्टेंट, ठीक है, तो ए केमिकल एजेंट विच अंडर द डिफाइंड द कंडीशन इज द कैपेबल ऑफ द डिसइनफेक्शन। ठीक, चलिए देख लेते हैं, इसमें ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है, ये इस तरह से। सोप और डिटर्जेंट में अंतर देखें तो सोप इज द सोडियम और पोटेशियम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज द अटैच टू अ लॉन्ग एलिफैटिक चेन। डिटर्जेंट इज द यूजली अ सोडियम ऑफ द पोटेशियम साल्ट ऑफ अ लॉन्ग एल्किल चेन दैट द टर्मिनेटेड विद द सल्फोनेट ग्रुप। सोप आर द प्रोड्यूस्ड यूजिंग इन नेचुरल इनग्रीडियंट्स, ठीक है, डिटर्जेंट आर द प्रोडक्ट की तरह यूजिंग सिंथेटिक रिसोर्सेज। सोप्स आर इजीली बायोडिग्रेडेबल, सम डिटर्जेंट आर बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, चलिए, सोप्स टेक टाइम टू गेट द डिसॉल्व इन वाटर, डिटर्जेंट टेक लेस टाइम एंड द डिसॉल्व फास्टर इन वाटर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, सोप एंड डिटर्जेंट हैं ये। आइए थोड़ा सा देखते हैं, बहुलक थोड़ा सा समझ लेते हैं। अधिक अणुभार वाले वह यौगिक जो कम अणुभार वाले या फिर एक या एक से अधिक प्रकार के बहुत से अणुओं के संयोजन से बनते हैं जिनके बीच सह संयोजन बंद होते हैं बहुलक कहलाते हैं, यह प्रक्रम बहुलीकरण कहलाता है। व्हाट इज अ पॉलीमर, बहुलक के अंग्रेजों की भाषा में पॉलीमर कहते हैं, तो अ वर्ड पॉलीमर इज द कॉम्बिनेशन फॉर टू ग्रीक वर्ड, द पॉली मीन्स मैनी एंड मीरोज मीनिंग पार्ट्स ऑफ यूनिट। द पॉलीमर इज अ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ विच इज द फॉर्म बाय द रिपीटेड द लिंकिंग ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द मोनोमर्स। ठीक है, एथिलीन, ठीक है, और पॉली एथिलीन, ठीक है, ये आपके क्या हैं, पॉलीमर्स हैं। ठीक है, आइए समझते हैं फैमिली ऑफ द पॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स जो है इसको हम देखते हैं क्या करके, आइए समझते हैं। तो पॉलीमर या बहुलक, ठीक है, बहुत अधिक अणु वाला कार्बनिक यौगिक होता है, यह सरल अणु हैं जिन्हें पॉलीमर कहा जाता है, कि बहुत अधिक इकाइयों के पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप बनता है। पॉलीमर में एक ही तरह की बहुत सारी आवर्ती संरचना इकाइयाँ यानी कि पॉलीमर संयोजी बंद कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। सेल्यूलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक पॉलीमर हैं।
ये खुली अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं तथा इन्हें पौधों और जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है। इसके रासायनिक नामों वाले अन्य उदाहरण में पॉलीथिन आ जाता है, पॉली एथिलीन आ जाता है, इसको पॉलीथिन के नाम से जाता है, टेफ्लान आ जाता है, पॉलीविनाइल आ जाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आ जाता है। ये कुछ प्रमुख पॉलीमर्स हैं। ये थोड़ा देख लेते हैं। बहुलक के प्रकार देखते हैं। बहुलक उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक, ये प्रकृति में पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च और रबड़, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। कृत्रिम की अगर बात की जाए तो ये बहुलक प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, ओरलॉन हो गया और ड्यूक्सन हो गया। ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनसे जो है जीवन में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो है पॉलीथीन बहुत खतरनाक होती है, ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल हो जाता है, इनका निस्तार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स। ये देख सकते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर्स आपको देखने को मिल जाएगा और सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिले एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, पॉलीमर प्रोटीन्स, मोनोमर अमीनो एसिड, ठीक, पॉलीमर द पॉलीएस्टर, मोनोमर एज द एल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, पॉलीमर द प्लास्टिक, मोनोमर द एल एल केनी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलीमर डीएनए, मोनोमर द फोर डिफरेंट न्यूक्लियो, ठीक है। चल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो नेचुरल की अगर बात की जाए तो डीएनए आपका मिल जाएगा पॉलीमर आदि मेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रबड़ जो है आपका, रबड़ जिसको कहते हैं सेल्यूलोज हो जाता है आपका, और बूल यानी कि ऊन हो जाता है। वहीं आपका सिंथेटिक की बात की जाए तो नायलॉन हो जाता है, पॉलिएस्टर हो जाता है, टेफ्लॉन हो जाता है और आपका एपॉक्सी हो जाता है, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स यहाँ पर देखते हो प्लास्टिक, रबर्स और फाइबर्स, ठीक। चलिए यहाँ पर आप देख ही सकते हैं वाटर 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 बॉटल, पैकिंग मटेरियल्स, टोट बैग या लगेज बैग आपका प्लास्टिक का होता है। रबर्स की बात की जाए तो आपका टायर्स हो जाते हैं, लेटेक्स ग्लोव हो जाते हैं, च्युइंगम हो जाता है आपका, रबर्स ही होती है, खाने में च्युइंगम भी होती है। फाइबर्स की बात की जाए तो फिलिंग इन क्लोज होता था, तकिए वगैरह में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉकिंग में आपका फाइबर्स की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पॉलिस्टर पॉलीमर जो है नेचुरल और आपका सिंथेटिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स किस तरह से निर्माण होता है, वो हमको मैं दिखा देता हूँ। पॉलीमर्स विच इज़ द आइसोलेट आइसो आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचुरल आर कॉल्ड द नेचुरल पॉलीमर्स, द कॉटन, सिल्क, वूल एंड रबर्स। पॉलीमर्स सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स आर कॉल्ड इज द सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीथिन हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, टेरिलिन हो गया, ठीक, ये हो गया आपका। इनको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नेचुरल और नेचुरल पॉलीमर्स, ये इस तरह से। चलिए साथियों कुछ प्राकृतिक वो कुछ महत्वपूर्ण जो है कृत्रिम बहुलक थोड़े से देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है पॉली प्रोपाइलिन, ठीक है। तो इसमें एक एक लक इकाई प्रोपाइलिन अणु होता है। ये पॉलीथीन से अधिक कठोर होता है, मजबूत भी होता है तथा हल्के भी होते हैं। ये इनसे जो है पाइप बनते हैं, बोतलें आपको देखने को मिल जाएंगी, रस्सी, गाड़ियाँ आदि आपको देखने को मिल जाएंगी। तो किससे आपकी बनती हैं, पॉली प्रोपाइलिन। दूसरा जो आ जाता है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, प्लास्टिक यूज, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, पीपी इसको कहते हैं, पॉली एथिलीन या फिर पॉलीथीन। इसमें एक लग इकाई एथिलीन अणु होते हैं। यह प्लास्टिक बैग, विद्युत रोधक, रेफ्रिजरेटर, डिश, कोट आदि इससे बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये इसका पॉलीथीन, सादा शब्दों में हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है पॉली स्टायरीन, इससे एक लग इकाई स्टायरीन होती है। ये सफ़ेद थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है और इसका प्लास्टिक पदार्थ है और इसका प्रयोग खिलौने बनाने में, रेडियो बनाने में, टीवी के कैबिनेट बनाने में, रेफ्रिजरेटर के अस्तर बनाने में आदि। अस्तर वो जो होता है ना, जब फ्रिज खोलते हैं तो उसके अंदर का जो भाग होता है वो इसी का ही बना होता है, किसका, पॉली स्टायरीन का, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये पॉली स्टायरीन ही है आपका, देखने को मिल जाएगा ये फॉर्म वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसके इसमें एक अलग इकाई विनाइल क्लोराइड के अणु, विनाइल क्लोराइड के अणु होते हैं। प्लास्टिक पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, हैंड बैग और जूते, कोट और इंसुलेटर आदि इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा इसी का ही काम है, जितने भी काम वगैरह होते हैं, पाइप वगैरह का, स्कूटी का आगे का जो है जो फाइबर बोल देते हैं ना लोग गाँव में कि भैया गाड़ी जो आ रही है प्लास्टिक की होती है या फाइबर की होती है, तो वो यही होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं न्यूप्रीन। तो यह कृत्रिम रबड़ है जो प्राकृतिक रबड़ के गुण के समानता रखता है। यह क्लोरीन के बहुरीकरण से बनता है। यह प्राकृतिक रबड़ के अधिक स्थायी होता है। यह पेट्रोल के पाइप, बेल्ट, जूतों के हील आदि बनाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा न्यूप्रीन। इसको हम कह सकते हैं ये इस तरह से, ये न्यूप्रीन से जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। न्यूप्रीन का उपयोग चप्पल वगैरह आपका जो है न्यूप्रीन का ही देखने को मिलेगा। प्लास्टिक नहीं बोलते हैं, रबड़ भी नहीं बोलते हैं। टेफ्लॉन या पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन इसको कहते हैं। इसमें 1 लाख 1 इकाई इकाई ट्रेटा फ्लोरीन एथिलीन होता है। बहुत कठोर होता है। ये विद्युत के अधिक चालक नहीं होते हैं। ये सांड वो सांद्र अम्लों के भरने के कैन सांद्र जो अम्ल होते हैं उसे भरने के कैन प्रेशर को करके गैसकेट बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कैफलॉन, ये इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं बूना या 13 ब्यूटाडाइन तथा स्टायरीन का सह बहुलक होता है। यह ऑटोमोबाइल टायर, रबर, सोल, जुराबे, बेल्ट आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो दिखा दूँ मैं इसको, ट्यूब वगैरह ये ब्यूटाडाइन। ठीक, इस तरह से टायर को मैं जूम करके दिखा देता हूँ। बल्ब वगैरह बाल्ब होते हैं ना जो गैस वगैरह के होते हैं, तो बूटा के ही बनते हैं, बूटा एस बूटा वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नायलॉन है, कृत्रिम तंतु है। इसमें जल के एक अणु का विलोपन होता है। इसका प्रयोग जो है संश्लेषित रेशे, दूध, ब्रश, ठीक है, वस्त्र उद्योग, गलीचे, मछलियों के जाल आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। टेरेलिन है एक पॉलीएस्टर तंतु है, नायलॉन के समान होता है। संश्लेषित रेशे कॉटन के साथ मिलाकर टेरिकोट तथा ऊन के साथ मिलाकर टेरी वूल, मैग्नेटिक रिकॉर्डर, टेप तथा फिल्म आदि बनाने में प्रयोग किया जाया करता था। क्योंकि अब जो है मैग्नेटिक रिकॉर्डर कहाँ बनते हैं, पुराने ज़माने हुआ करते हैं। चलिए रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम तथा रासायनिक नाम एवं उनके सूत्र थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यापारिक नाम देखते हैं, साधारण लवण जिसको हम नमक के नाम से भी जानते हैं, नमक जो है निमिक गांव में कह देते हैं, साधारण नमक हम कह सकते हैं इसको, खाने का जो नमक होता है। तो सोडियम क्लोराइड के नाम से इसको जानते हैं, रासायनिक इसका नाम है। सूत्र की बात करें तो NaCl। चिली साल्ट पीटर इसको कहते हैं। सोडियम नाइट्रेट के नाम से इसको जाना जाता है, Na(NaNO3)। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि NaHCO3 के नाम से अरे भैया जाना जाता है। धावन सोडा या फिर कपड़े धोने का सोडा हम इसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, Na(CO3)10H2O। फिट करी पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है इसको, इसका रासायनिक नाम है K2SO4Al2SO4324H2O। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं चिली साल्ट पीटर्स प्रोसेस। ठीक है, यूज द अर्ली ड्रिंक। ठीक, इस तरह से ये यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं साधारण नमक। यहाँ पर सबके इमेज लगा दिए मैंने, साधारण नमक, बेकिंग सोडा एंड ठीक है, और जो फिटकरी वगैरह जिसको हम कहते हैं फिटकरी। चलिए रासायनिक पदार्थों के नाम, TNT ट्राई नाइट्रो टालविन ये विस्फोटक होता है। C6H2CH3NO2 की पावर 3। विरंजक चूड़ की अगर बात की जाए तो ब्लीचिंग पाउडर इसको कहते हैं, रासायनिक नाम इसका Ca(OCl) में फिर Cl। ठीक है, यानी कि क्लोरीन होता है Cl। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, ठीक है, CaSO4 2H2O के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबलर लवण सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O के नाम से इसे जानते हैं। अम्लराज, अम्लराज क्या होता है, अम्लराज वो अम्लराज ही कहते हैं व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम भी इसको अम्लराज है। अंग्रेजों की भाषा में बात करें तो एक्वारेजिया जिसको हम रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं। एक्वारेजिया कैन द डिसॉल्व द नोबल मेटल सच अ गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, चलिए सूत्र देखते हैं HCl+HNO3। बाहरी जल की बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, D2O। श्वेत पोटास या सफ़ेद पोटास के नाम से, पोटेशियम क्लोरेट के नाम से इसको जाना जाता है, क्लोरेट, तो KClO3। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। ठीक है, हाइपो की बात करें तो सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O। ठीक है, मार्स गैस की अगर बात की जाए तो मीथेन के नाम से इसको जाना जाता है, CH4। अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कास्टिक सोडा की अगर बात की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH।
ठीक है, यहाँ पर सब मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र की बात करते हैं। भारी जल की अगर बात की जाए तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O के नाम से जाना जाता है। श्वेत पोटास, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हाइपो की अगर बात की जाए तो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O35H2O। मार्स गैस की अगर बात की जाए तो मीथेन के नाम से इसको जाना जाता है, CH4 के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका रासायनिक नाम है। अल्कोहल की बात की जाए तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कास्टिक सोडा की अगर बात की जाए सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। चलिए यहाँ पर दिखा देता हूँ जूम करके, ये भारी जल, ठीक है, इसको ड्यूटेरियम के नाम से भी जाना जाता है, मैंने पीछे बता दिया था। चलिए व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और सूत्र। अल्कोहल एथाइल अल्कोहल C2H5OH, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, तूतिया या नीला थोथा जिसको कहते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, उजला थोथा सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, भखरा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। आइए रासायनिक नाम नेक्स्ट देखते हैं। सिंदूर की बात करें तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड इसको कहते हैं। सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड, सोरे का नाइट्रिक एसिड यानी सोरे का अम्ल HNO3। नमक का अम्ल क्लोरिक एसिड HCl। नौसादर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। शुष्क गैस या ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख तत्व अयस्क तथा रासायनिक सूत्र। चांदी की बात करें तो AU के नाम से इसको जाना जाता है। अयस्क जो है इसका क्या है, सिल्वर ग्लास इसका अयस्क है। रासायनिक सूत्र की अगर बात की जाए तो AU, अयस्क की बात कर रहा हूँ रासायनिक, AgU2 AU Ag2S। तांबा की बात करें तो कॉपर इसका रासायनिक नाम है तत्व का, कॉपर ग्लास कॉपर पायराइट्स, ठीक है, तो CuS CuFeS। लोहा की बात करें Fe जिसको फेरस के नाम से भी जानते हैं, हेमिटाइट इसका अयस्क की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटाइट अयस्क है इसका, अयस्क की हेमिटाइट की अगर बात की जाए, मैग्नेटाइट की अयस्क की सूत्र की बात की जाए तो Fe2O3 Fe3O4। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो Al इसका रासायनिक तत्व का रासायनिक नाम है, मतलब प्रतीक है। बॉक्साइड इसका जो है आपका अयस्क है, कोरंडल आपका अयस्क है, क्रायोलाइट इसका है, इसका Al2O3 2H2O, Al2O3 Na3AF6, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं Mg डोलोमाइट और कार्लेनाइट, MgCO3 CaCO3 Cl KCl MgCl2 6H2O। पारा की बात करें तो सिनेबार कैलोमल HgS Hg2Cl। सोना की बात करें तो कैल्बेराइट पेटसाइट AuTe2, ठीक है, AuTe2 Au ब्रैकेट में Ag2T। जस्ता की बात करें तो Zn इसका रासायनिक नाम है, वो प्रतीक है। S की बात करें तो जिंक ब्लेड, कैलामाइन या जिंक स्पार Zn S इसका रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम की बात करें तो लाइम स्टोन और डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 CaCO3। फॉस्फोरस की बात करें तो P इसका रासायनिक प्रतीक है, फॉस्फोराइट और फ्लियो ए पेटाइट Ca3PO42 3Ca3PO42CaF2, ठीक है। पोटेशियम की बात करें तो कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, कार्नेलाइट और सोरा Cl3 MgCl2 6H2O KNO3, ठीक है। सोडियम की बात करें, सोरा का वो भी होता है आपका पता होगा सूत्र। सोडियम की बात करें नमक जिसको हम कहते हैं, सॉरी सोडियम NaCl होता है नमक पूरा, सोडियम रॉक साल्ट और सोडियम कार्बोनेट, तो NaCl और आपका जो है Na2CO3।
टिन की बात करें तो SN इसका रासायनिक इस तत्व का जो है वो है प्रतीक है, टिन पायराइट्स और कैसी टेराइट CU2FeSNS4SNO2। सीसा की बात करें तो PV गैलेना PVS। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए रासायनिक नाम, उसके तत्वों के नाम। ठीक है, मेटल्स एंड ओर्स। ठीक है, चलिए मेटल एंड ओर देख लेते हैं थोड़ा सा अलग से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। एल्यूमिनियम का पूछा जाता है तो बॉक्साइट जो है अयस्क है, जिंक का जो है इस पे ले राइट। ठीक है, आपका जिंक का है। आयरन की बात करें तो हेमे टाइट। गोल्ड का अगर बात करें तो गोल्ड नगेट्स। ठीक, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सभी के, ये यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट वाले जो हैं यहाँ पर मैंने डाल दिए। आयरन का जो है हेमेटाइट हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट, जिंक का है जिंकसाइट, जिंक वैलेंट, मरकरी का है शिनेवार, लेड यानी कि पीवी का है आपका गैलेना, सिल्वर का है हॉर्न सिल्वर, और सोडियम का है रॉक साल्ट, मैग्नीशियम का है मैग्नेसाइट। ठीक है, कैल्शियम का है लाइम स्टोन। ठीक, चलिए वेयर डू मेटल्स कम फ्रॉम, तो मोस्ट मेटल आर फाउंड इन द केमिकल कंपाउंड द मिनरल्स इन रॉक्स। ठीक है, रॉक कंटेनिंग द सिग्निफिकेंट द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर मिनरल्स आर कॉल्ड ओर, यानी आयस के नाम से जाना था। हाउ अ मेटल इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर डिपेंड्स ऑन दैट मेटल्स पोजिशन इन दैट रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, टू सम एक्सटेंड अवर ह्यूमन हिस्ट्री इन क्लोजली टाइड टू द हिस्ट्री ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन। ठीक, तो हेमेटाइट का सूत्र देखने को मिल जाएगा, बॉक्साइड का, आपका गैलेना का, सिनेबार का, मेलिनजाइट का। ठीक है, मेलिनजाइट का, इसके बाद आपका ओली वाइन का आपका, उसके बाद जो है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ, यहाँ पर जो है हेमेटाइट आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह का लाल रंग का होता है। ठीक, तो ये अयस्क वगैरह आपके हो गए। तो ये जो है मोटा मोटा अगर कहें तो छोटा सा परिचय जो है आपका हो गया किसका, क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री का। तो मुझे उम्मीद है आपको आनंद आया होगा। आपकी रह जाती है आपस साड़ी, वो मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ मैं अलग करा दूंगा, उसमें आपका आपस साड़ी मैंने फिर भी इसमें डाल दिया है कुछ। ठीक है, आप जब स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना चाहें या फिर PDF लेना चाहें तो मात्र 49 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो हल्का सा मैंने आपका वीडियो करा दिया है कंप्लीट। तो आपको कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो 999 अभी मिल रहा है, जिसकी कीमत जो है मोटा मोटी 10,000 रुपये रखी है मैंने, मतलब ऑफलाइन। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं और नए वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आनंद लीजिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।